जल्दी तेरे बॉस को बोला। हमारे अमृत सिंघम वाले आर्टिकल पर अच्छा ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया पर भी हर स्टोरी में हर कोई हमें ही कोट कर रहा है। बट वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ हेट मैसेजेस फ्रॉम अमृत सिंघम फैंस। सो क्या एक फॉलोअप आर्टिकल प्रिंट करना चाहिए हमें? क्या लगता है आपको? 100% प्रिंट कर रहा है। हमें तो पता है ना कि यही होने वाला। मधु, ऐसे ही तो पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अपना टाइम खोटी मत कर। तेरे बॉस से अब भी मिलने का। जल्दी बोला चल। सिक्योरिटी भैया प्लीज सुनिए, आप कल आइए। कल का क्या बवाल है? ये बोली ना कि बाद में आइएगा। चलिए निकलिए। अपन का हाथ छोड़, अपन को अब बीच मिलने का है। बोला उसको जल्दी। तुम यहीं रुको, बताओ क्या हुआ? इनको आपसे मिलना है और ये नशे में है। लेट मी हैंडल इट। तुम तो पूरे भीग गए हो, मेरे साथ आओ। बताओ क्या हुआ? बोलो ना, डरने की जरूरत नहीं है। तो ये अरसलान है क्या? हाँ मैं ही हूँ। तो फिर ये क्या कर दिया? जल्दी अधिराज। अरे अरे तुम सब गंदी नाली के कीड़े, अपन की बात गौर से सुन। अपन के अमृत सिंघम के बारे में कुछ भी उल्टा सुल्टा लिखा तो यही गाड़ दूंगा। अपन की बात को हल्के में नहीं लेने का। तेरे पकड़ो इसको। हम मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। मेरे जैसे बहुत है अमृत सिंघम का साथ देने वाले। Sorry, he is no more. करना नहीं, पापा है यहाँ। आरुषि घबराना नहीं, डरना मत बेटा, पापा है यहाँ, मैं हूँ यहाँ। I'm okay, पा। अरु नाश्ता तैयार है, खा लो। अरु बेटा आज टेस्ट है, अच्छे से रिवाइज करो। ओके पा। अरु अपना सामान कौन उठाएगा? ओहो कुमार। नहीं तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। गुड मॉर्निंग। फिर वही, कभी भी हमको जवाब नहीं देता है। देख के चलो धीरे। बाय बाय। टिफिन पूरा खाना छोड़ना नहीं। आप फिर से नंगे पांव खेली तुम? नहीं पा, जूते पहन के खेला। पापा को झूठ पसंद नहीं है, पता है ना? नो पा, सच है। क्या सच? जूतों के ऊपर मिट्टी है मगर नीचे नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? कि तुमने बाद में मिट्टी उठा कर लगाई है। हमेशा सच बोला करो आरुषि। सॉरी पा। पा फिनिश्ड। अब मैच। आइए बाबूजी, आइए दीदी, आइए दादा। खूब सस्ता मिस्टी है, इतना सस्ता मिस्टी आपको कहीं नहीं मिलेगा। कुमार बाबा, अंदर आइए। अपनी आरुषि भूल गए नाम किसने रखा था? मेरे पापा जैसे, तुम्हारे दादा जैसे। जैसे वैसे नहीं, पापा का बाबा हूं मैं और तुम्हारा दादा। आपने मुझे ढूंढा कैसे? ए, भूल गए तुम कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मैंने ही सिखाया था तुम्हें। आप अपने हाथ मुंह धो लीजिए, मैं इसे सुला कर आता हूं। ओके बेटा, ओके। बाबा, बाबा क्या हुआ? सब ठीक है? उन्होंने अरसलान को मार डाला। क्या? मेरा बेटा अब नहीं रहा। कुमार, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। हाँ बाबा, बताइए क्या करना है? पूरे देश में तुम्हारे जैसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है ही नहीं। इस तरह से खुद को बंद करके, दुनिया से छुपा के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेटा। कुमार, मेरे साथ चेन्नई वापस चलो बेटा। हाँ? और फिर से एडिटर का ऑफिस संभाल लो बेटा, वो तुम्हारे इंतजार में है। तुम्हारी कुर्सी आज भी खाली है बेटा। अगर तुम लौटे तो मुझे एक अच्छा एडिटर ही नहीं, एक बेटा भी मिल जाएगा। डिप्रेशन से निकलने में मदद भी मिल जाएगी। मैं नहीं कर सकता बाबा, मेरे अंदर का पत्रकार मर चुका है। अगर कुछ जिंदा है तो बस पछतावा, जो मुझे चैन से जीने नहीं देता। मैं इतने आगे का सोच ही नहीं सकता। मैं यूं एक एक दिन कैसे काटता हूं मैं ही जानता हूं। शराब पी पी के यादों को नशे में डुबो रहा हूं। तो क्या इस बच्ची को ऐसे ही पालोगे? तुम्हें उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए बेटा। तुम फिर से वही कुमार बन सकते हो। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। जब से तुम वहां से गए हो तुम्हारी जगह किसी ने भी नहीं ली बेटा। उस कमरे पे ताला लगा है। एक बॉस के लिहाज से नहीं, एक बाप के हक से कह रहा हूं। दादू कहाँ चले गए? दादा घर गए बेटा। आप सैड हो? मैं ठीक हूँ। स्कूल का टाइम हो रहा है, खा लो, लो चलो। मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है, ब्रश करके आती हूँ। डरो मत, मैं हूं ना। सिंधु की मम्मी संगीता को बुला। ओके मैम। आओ संगीता, बैठो। संगीता, सॉरी टू से दिस, आपकी बेटी बिल्कुल नहीं पढ़ती है। हर चीज में स्लो है। अब तक अल्फाबेट्स तक सीख नहीं पाई है। पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता इसका। कई बार तो ऐसे ही खिड़की के बाहर देख रही होती है। इसके चक्कर में बाकी बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। पर मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो जानती हैं ना कि ये डिसलेक्सिक हैं और इसमें बस एक लर्निंग डिफिकल्टी होती है। एक्चुअली इसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी हेल्प लगेगी बस आपकी और ये कर लेगी मैम। नहीं संगीता, एक डिवोर्सी सिंगल पेरेंट के बच्चे को एडमिशन देना ही काफ़ी बड़ी बात है। बाकी पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ऐसे बच्चे को इस स्कूल में रखने की जरूरत ही क्या है। दूसरे स्कूल्स हैं ऐसे बच्चों के लिए, आप वहाँ क्यों नहीं ट्राई करती? क्या मैडम, आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हैं? दुनिया में बहुत से फेमस लोग हैं जो डिसलेक्सिक थे। बदलाव इसके स्कूल में नहीं, आपकी सोच में चाहिए। इतनी बड़ी प्रिंसिपल होकर आपकी सोच इतनी छोटी। मैं खुद नहीं चाहती कि वो स्कूल में पढ़े। आप जैसे लोगों के साथ मेरी बेटी यहाँ सेफ नहीं है। थैंक यू। चलो सिंधु। अरे पीठ पे जा रहा हूँ भाई। अरे बड़ा साहब बुला रहे थे आपको। हाँ चाय ला, चाय ला। पा, मुझे गोदी गोदी ले चलो ना, जैसे पहले किया करते थे। आज तक आऊँ आरू, कल करें प्लीज। प्लीज मुझे गोदी गोदी ले चलो ना पा। बहुत थका हूँ बच्चे। पा। अच्छा आजा। रेडी? 1, 2, 3। आरुषि, पेशेंट जाग गया है, ताड़ाताड़ी आइए। आरुषि, मेरे बच्चे का है। आस्ते बाबा, आस्ते। आरुषि, क्या हुआ सर? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे बच्चे का? सर, आरु बेटा। सर, सर। आरुषि, आप सोते रहिए, डॉक्टर अभी आने वाले हैं। आप शांत हो जाइए, आ रहे हैं। सोते रहिए, उठिए मत। सर, सर आपको लग जाएगा। बात सुनिए सर, आप प्लीज सुनिए मेरी बात। सर, आप शांत हो जाइए, लेटे रहिए। मेरी बेटी को क्या हुआ है? मेरी बेटी को क्या हुआ डॉक्टर? मेरी बेटी को देखना है, उसे मेरे पास ले आओ। हम एक लोग को बोला है, वो आपका बेटी को लेकर आएगा। आप चुप करो। आरुषि किधर है? देखिए आरुषि। आरुषि, गलती हो गई आरुषि, सॉरी बेटा, मैंने तुझे गिरा दिया, मुझे माफ कर देना, पापा से गलती हो गई, पापा ने जानबूझ के नहीं किया, सॉरी बेटा, सॉरी यार, सॉरी आरुषि। कोई बात नहीं, सॉरी, चोट तो नहीं लगी? आप लोग थोड़ा बाहर बैठिए। सॉरी। हाँ माता है। सॉरी हाँ, सॉरी। तुम्हारा किस्मत अच्छा है, अल्कोहल कंजप्शन बहुत बढ़ गया था, आपका ब्लड में अल्कोहल बहुत है, आप तो एकला बाबा हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिएगा। सॉरी। रोना नहीं, आप रोना बंद कीजिए, देखिए शांत हो जाइए, मैं कुछ खाने को शीघ्र ही लेकर आता हूँ। कुमार बाबा, मैं वापस आ रहा हूं, ठीक है? अरुणिमा, तुम जल्दी से तैयारी करो, एक छोटी मालकिन आ रही है। कुमार आ रहा है क्या? हाँ, स्वागत है एडिटर साहब। नहीं बाबा, मैं अभी भी तैयार नहीं हूं, मैं अभी ऑफिस आकर छोटे मोटे काम करूंगा, फिर धीरे धीरे बड़ी जिम्मेदारियां लूंगा, अभी किसी को भी बताइएगा मत कि मैं कौन हूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये वही ऑफिस है जिसे तुम छोड़ के गए थे, अरसलान ने इसे मॉडर्नाइज किया है। अरसलान और तुमने शुरू में जो मेहनत की थी ना, उसी से आज वानम इस देश का एक मीडिया जाएगा। यस, गुड मॉर्निंग। या ये सेल्स और मार्केटिंग है, रिपोर्टर्स दूसरी साइड पे बैठते हैं। ये देखो, एडिटर इन चीफ का कमरा अभी भी खाली है, तुम्हारे इंतजार में है। यस, कम इन। हाँ मधु, बोलो। सर, आपने इस आर्टिकल को होल्ड पर डाला था ना? कौन सा आर्टिकल? हमारे ऊर्जा मंत्री पर करप्शन चार्जेस का आर्टिकल। हाँ, बाय द वे, ये मधुमिता है, हमारी क्राइम एडिटर। मधुमिता, ये मिस्टर कुमार हैं, मेरे रिश्तेदार, ये जर्नलिज्म सीखना चाहते हैं, देख लो, थोड़ा काम दे दो। ये क्या काम कर पाएंगे सर? पहले कुछ छोटे मोटे से शुरुआत करो, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं, अपने केबिन के पास ही बिठाना। बैठो। तुम जानती हो वो कौन था? साउथ की सबसे बड़ी मसाला कंपनी का मालिक, जो दिन दहाड़े हजारों लोगों के सामने मारा गया। समझ में आया कितनी बड़ी खबर है ये? दिमाग साइड में रख के आर्टिकल लिखा था क्या? पूरे आर्टिकल का कचरा कर दिया। ना तो तुमने कातिल के परिवार से किसी से बात की और ना ही मरने वाले के परिवार से। अपनी क्रिएटिविटी टेस्ट करिए यहाँ पर। टीवी न्यूज देखकर आर्टिकल लिखोगी तो ऐसे ही तो लिखोगी। आर्टिकल लिखना है तो ग्राउंड पर जाओ, लोगों से बात करो। एसी के आराम में डेस्क पर बैठे बैठे रिपोर्टर नहीं बनते हैं। अब जाओ, जो मिस्टेक्स बोली है उन्हें ठीक करो और दोबारा ये आर्टिकल लिखो। यस मैम। इसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, शाम तक हो जाना चाहिए। चाहो तो यहाँ से काम कर सकते हो। थैंक यू मैम। हिट्स, व्यूज, बस यही करना बाकी रह गया था। बेकार जॉब। हेलो सर, आई एम अधिराज, क्राइम रिपोर्टर। सर, आप रंजीत कुमार है ना? सर, मैंने तो आपको सेकंड में पहचान लिया। मेरे साथ चलो सर, इस तरफ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है सर, मैं जर्नलिस्ट आपकी वजह से बना। मैं बड़ा हुआ हूँ आपकी किताब पढ़ पढ़ के, बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं तो कब से आपसे मिलना चाहता था, ऐसा लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। पर आप यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी मामूली से रिपोर्टर की कुर्सी पर? मैं अभी सब कुछ नहीं बता सकता, हम बाद में बात करते हैं। बात? सर, ओहो, मैं समझ गया, अंडरकवर ऑपरेशन। नहीं, सुनो सर, सर आप मुझे सफाई मत दीजिए, मैं हूं ना, सब संभालूंगा। अरे कितना पानी पियोगे तुम? इसे कल तक प्रिंटिंग में जाना है, पर मुझे कोई अर्जेंसी नजर नहीं आ रही है। खिचड़ी पका कर रखी है, ये टाइम पर खत्म नहीं कर सकते कोई काम? मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ जो रिमाइंड कराऊँ तुम्हें। एक बात बताओ, डेडलाइन का मतलब समझते हो? डेडलाइन, टाइम पर काम खत्म नहीं हुआ तो तुम डेड हो जाओगे। सॉरी मैम। हेलो, एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो? सुबह मैंने काम दिया था ना, खत्म कर लिया तुमने? आज ही देना जरूरी है। इतना सीधा सा काम दिया था, वो भी नहीं किया तुमने, और अब एक्सक्यूजेस बना रहे हो। यहाँ आते ही क्यों तुम लोग? टाइम पास करना है तो। ये तुम्हारे बाप की कंपनी नहीं है कि जब चाहे आओ जब चाहे जाओ। न्यूज रूम है ये, टाइम पर काम करना पड़ता है, समझ गए? वैसे यहाँ आने से पहले करते क्या थे तुम, बताओ? सर, यहाँ ट्रेनिंग का आइडिया आया, उससे पहले क्या करते थे? घोड़े संभालता था। क्या कहा? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, घोड़े संभालता था। तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? अरे मजाक तो हमारा बन रहा है। छोटू, उस टेबल के लिए 2 डबल अंडे ला रहे। हाँ हाँ साहब, बोलिए। हाफ बोतल राम, ग्लास और पानी का बोतल। हाँ, कुछ खाने को साहब? नहीं। तुम्हें काम दिया था, स्टेटस बताओ। मैं बताती हूँ स्टेटस। पहले दिन काम दिया था, वो भी नहीं कर पाए। जब काम आता ही नहीं है तो पहले ही मना कर दिया करो। ये दिमाग वाला काम तुमसे होगा ही नहीं। तुम एक काम करो, आज फील्ड में जाओ। मित्र मंदिर स्कूल में एक एनुअल डे फंक्शन है, वहां चले जाओ। मैम, एनुअल डे फंक्शन में क्या न्यूज मिलेगी? हाँ ना, न्यूज वाली जगह में तो तुम सनसनी फैला देते। अब दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। वो लोग प्रेस रिलीज में एक एनवेलप देंगे, चुपचाप वो लेकर आ जाना, और पैसे लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए? ओके। जाओ, और फोटोग्राफर को ले जाना अपने साथ। डियर पेरेंट्स, प्लीज हॉल में बैठिए, फंक्शन शुरू होने वाला है। Please get your kids ready. आनंद, वो अरसलान की मंगेतर कीर्ति है ना? मैं अभी आती हूँ। हाँ भाई, यहीं पे बच्चों को पढ़ाती है ना ये। तुम यहीं रुको, मैं आया। निशा, ये देखो, इन्हें फ्रांस जाना है, शेंगन वीज़ा लगेगा। हाँ, सब सही है। तो मैं प्रोसेस करूँ, एप्लीकेशन डाल दूँ ना? हाँ कर दो। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। रास्ते में स्कूटर खराब हो गई। तो फिर आई कैसे? ऊपर वाले की दया है कि बीच रास्ते में एक अजनबी आया और उसने मेरी स्कूटर ठीक कर दी। हेलो। हाँ ज़रूर कर सकते हैं सर, संभाल के भेजेंगे, डोंट वरी। मैरलिन दीदी। हाँ बोलो। इनको हमारे कोटेशंस भेज दीजिए प्लीज़ जल्दी से। हाँ ज़रूर। दीदी। हाँ। आज काम वाली नहीं आई क्या? उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जाने के लिए छुट्टी ली है उसने। ओह ठीक है ठीक है। उसको अगर पैसे चाहिए हो तो मेरे अकाउंट से दे देना। हाँ हाँ ठीक है। सुनो, ऑफिस के लिए 2 हार्ड डिस्क ली हैं, उसके भी पैसे रिलीज कर दो। ओह दीदी। हाँ ये बिल भी मेरे अकाउंट से दे देना। हाँ। अच्छा सिंधु कैसी है अब? जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है वो बीमार पड़ जाती है, और फिर भी वो हर वक्त पानी में खेलती रहती है। कल रात को उसको हल्का बुखार था, अभी थोड़ी ठीक है, पर उसके स्कूल का क्या करूं ये नहीं समझ आ रहा। मिल जाएगा, फिक्र मत कर। ए सुन। जी साहब। मधुमिता कहाँ मिलेगी? वहाँ रिसेप्शन पे जाकर पूछिए। जी मैम। नमस्ते मैडम। बोलिए। आप ही एडिटर मधुमिता हैं? हाँ जी। स्वामी प्रभुनंदन पर जो आर्टिकल छपा था वो आप ही ने लिखा है? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आपने लिखा है उन्होंने बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया था। किस आधार पर लिखा आपने? आप एडिटर हैं तो जो जी में आए लिखेंगी? बिना सबूत के नहीं लिखा है हमने आर्टिकल। आप पत्रकार लोग जो जी में आए लिख सकते हैं? क्या सबूत है बताइए। मैडम बड़ा आदमी लगता है, कुछ बोलने से पहले आप जरा सर से बात कर लीजिए। बोलो मधु। सर प्रभानंदन के आदमी यहाँ ऑफिस तक आ गए हैं और काफी नाराज लग रहे हैं, धमकी वाले अंदाज में बात कर रहे हैं सर, पर हमारे पास वो आर्टिकल लिखने के लिए सबूत है। कुमार है वहाँ? हाँ है, बैठा है, पर वो क्या करेगा इसमें? उसको समझाओ कि क्या हुआ है और वो जो कहता है वही करो। क्या कह रहे हैं सर? ये तो खुद ट्रेनिंग पर है, ये क्या बताएगा मुझे? जो कह रहा हूँ वही करो मधु, जस्ट डू इट। बताइए क्या हुआ? सर चाहते हैं कि तुम इन लोगों से डील करो। सोर्स क्या है? हमारा क्राइम रिपोर्टर एक कॉपी लेकर आया था, पुलिस कंप्लेंट की कॉपी थी वो। और क्या है हमारे पास? और कुछ नहीं है। सॉरी सर, इस आर्टिकल में हमसे गलती हो गई, हम अगले एडिशन में माफी मांग लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो रे। क्या नॉनसेंस है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कंप्लेंट की कॉपी काफी नहीं होती, वो तो कोई भी इंसान निजी दुश्मनी में फाइल कर सकता है, वो देखना पुलिस का काम है। पत्रकार को उससे ज्यादा चाहिए। एफआईआर के बलबूते पर स्टोरी नहीं छापते, कम से कम एक विक्टिम, रिश्तेदार या उसके माँ बाप का बयान चाहिए होता है, तभी जाकर यह जायज है। जितना ठोस सबूत उतना पक्का आर्टिकल। छोटू एक और। सर मधुमिता का चेहरा देखने लायक था, आपके सामने तो वो पानी कम चाय है सर। बिना जाने आप कितनी बड़ी हस्ती हो, बस फालतू में बकवास करती रही वो। नहीं अधिराज, उस प्रबंधन के खिलाफ पिछले 20 साल में कोई भी पत्रकार कुछ नहीं लिख पाया है। जज से लेकर मंत्री, टॉप ऑफिशियल सब उसकी जेब में है। बहुत हिम्मत चाहिए उसके खिलाफ बोलने के लिए। मैं सलाम करता हूं उसे, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बनेगी। मधुमिता जैसे लोगों की जरूरत है इस देश में, बस उसको थोड़ा और तजुर्बा चाहिए। देखना आने वाले दिनों में मधु बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन उसने आपसे बदतमीजी की। भाई क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। ए छोटू सुन ना, क्या लफड़ा हुआ? साहब ये तो इनका रोज का नाटक है, कभी शांति से रहते ही नहीं है। अरे नाक में दम करके रखा है हम लोगों के। अभी उस दिन यहाँ पर 2 लोग बैठे थे, शांति से बात कर रहे थे, तो फिर एक ने जाकर क्या किया पता है? वो अपना वानम ऑफिस है ना, उधर मर्डर कर डाला। यहाँ पर कोई मारने आता है तो कोई मारने आता है, लेकिन क्या करे, अपना तो पिलाने का अड्डा है ना, कौन कैसा मूड लेके आता है सबको सहना पड़ता है। आता हूँ। वो छोटू अभी अरसलान सर की बात कर रहा था। 27 बार खंजर घोपा है कातिल ने, हैवान कहीं का। अरसलान मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। बिलाल साहब ने ही बाप बनकर पाला है मुझे। हम दोनों एक साथ बड़े हुए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अरसलान अब नहीं है। सुनकर सच में बहुत बुरा लगा। सर मुझे 2 मिनट दीजिए ना, कुछ अर्जेंट काम याद आया। छोटू। हाँ क्या चाहिए साहब? क्या नाम है तुम्हारा? बाबू साहब। कहाँ से हो? यही अपना तिरची से। कब से काम कर रहे हो यहाँ? अब मैं तो बचपन से इधर ही है साहब। बाबा। मेरी बेटी। कुमार। हाय कीर्ति, कैसी हो तुम? कीर्ति ठीक हो। कुमार तुम कैसे हो? काफी बदल गए हो। चल रहा। तुम्हारी बेटी है? क्या नाम है? आरुषि। आओ मेरे पास आओ। जाओ। ओके, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे जरूरत नहीं, मैं आती हूँ। लीजिए बाबा। कुमार। थैंक्स। यस, मिल्क फॉर यू। संभल के बेटा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, एक कप ही तो है। अरे हाथ कट जाएगा। ओके, 2 मिनट। आरुषि नहीं, रख दो नीचे। नहीं ठीक है, टूट गया तो एक और ले लेंगे। तुम रख लो इसे, ले लो। तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूं? कीर्ति आज काफी परेशान सी लग रही थी, आपको भी लगा क्या? हाँ लगा तो। जिसके साथ इतना भयंकर हादसा हुआ हो, आखिर वो कैसे नॉर्मल रह सकती है? कीर्ति और आरुषि काफी घुल मिल गए। माँ के बिना एक बच्चे की जिंदगी अधूरी होती है, खासतौर पे एक लड़की की। जब जब मैं तुम्हें और आरुषि को एक साथ देखता हूं तो माँ की कमी मुझे नजर नहीं आती बिल्कुल भी। तुम सिर्फ एक अच्छे बाप ही नहीं, तुम एक जिम्मेदार पिता भी हो। तुमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, उसके परवरिश में कोई कमी नहीं है। तुम बेकार में दुखी मत हो। मान भारी कैसा ना करूं, ये मेरी ही गलती है जो आज ये बिन मां के पल रही है। तुम्हें उस बात को अब जाने देना होगा कुमार। सच कहूं तो सर्कुलेशन 30% डाउन है, और दूसरी तरफ सच की आवाज उठाने की डिमांड बढ़ती जा रही है बाबा। न्यूज की जरूरत हमेशा रहेगी। सर जैसा इन्होंने बताया, एक बच्चे के माता पिता स्वामी के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हो गए। फोटोज, स्क्रीनशॉट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, वो सब कुछ शेयर करने के लिए तैयार है। हालांकि वो लोग डर रहे थे, पर मैंने समझाया उन्हें कि डरने की कोई बात नहीं है। ओके मधु, गो अहेड। सर, अब मैं पूछे बिना और नहीं रुक सकती। जब ये पहली बार ऑफिस आए थे तो आपने मुझसे कहा था कि मैं इन्हें काम समझाऊं, लेकिन अब इतना तो साफ है कि इन्हें यह काम अच्छी तरह से आता है और आपको भी इन पर भरोसा है। आई रियली वॉन्ट टू नो सर, क्या आप मेरी जगह इन्हें देने वाले हैं? फर्स्टली आई एम सॉरी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और आपकी जगह लेने का कोई इरादा नहीं है। मैं खुद एक पत्रकार हुआ करता था। कुछ साल पहले एक हादसे के बाद जर्नलिज्म को छोड़कर बोतल उठा ली, अभी तक लत लगी हुई है। बिलाल साहब मेरे उस्ताद, मेरे गुरु हैं। जब उन्होंने मुझे वापस आने को कहा तो मैं नहीं बोला, मैं नए सिरे से शुरू करूंगा, इसलिए उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं। मैं आपके रास्ते नहीं आऊंगा, आप अपना काम कीजिए। आई एम सॉरी अगेन। वो समझ जाएगी कुमार। पता है बाबा, अभी ऐसे ही चलने दीजिए। बाबा एक और बात, अरसलान के केस में आपको किसी पे शक है? शक की कोई गुंजाइश ही कहाँ है। एक्सक्यूज मी सर, डीसीपी विमल सर आए हैं, क्या उन्हें मैं अंदर भेज दूं? हाँ भेज दो। ओके सर। हाय विमल। हाय सर। बैठो। कुमार, मिस्टर विमल से मिलो। हेलो सर। अरसलान का केस विमल ही देख रहे हैं। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी थी केस को लेकर, कातिल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए थे। कुमार, अपने शक वाली बात इनको बताओ। सर मुझे गलत मत समझिए, बोलिए ना। अरसलान के मर्डर केस को लेकर आपको किसी पे शक है? क्या बात कर रहे हैं, सारे गवाह आपके ऑफिस के ही तो हैं। इनफैक्ट यहीं का सीसीटीवी फुटेज बतौर सबूत जमा हुआ है। कातिल अमृत सिंगम का कोई पागल फैन है, इसी जुनून में ही उसने गुस्से में आकर अरसलान का कत्ल कर डाला। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ माजरा कुछ और भी है। आप खुद सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। ओके सर। ओके। क्या टेंडर की कॉपी यही है? ये तो बहुत पुरानी है, कॉन्ट्रैक्टर पहुंचा नहीं। अभी नहीं सर। लाके लाओ उसे। ओके सर। ये सड़क को 1 फुट खोदो पहले। जी सर। मुझे चेक करना है और इस तरफ भी देख लेना, ठीक है? जिस बंदे को स्टेज पर खड़े होकर फुटेज खाना था वो सीसीटीवी फुटेज उठा रहा है। वाह रे किस्मत। अब सर सुनिए सर, वो सीसीटीवी फुटेज भेज दिया आपको, एक बार देख लेंगे? थैंक यू सर। नाली के कीड़े, अपन की बात गौर से सुन। अपन के अमृत सिंघम के बारे में कुछ भी उल्टा सुल्टा लिखा। मधु, फरीदाबाद के कलेक्टर अब्दुल रहमान का कत्ल हो गया है। ये क्या कह रहे हो? वो रेत की तस्करी रोक रहा था ना, अभी तो हमने स्टोरी कवर की थी। ये अचानक से कैसे हो गया? उसने किसी यात्रा की परमिशन नहीं दी तो पूरे गाँव वाले उस पर गुस्सा थे। ट्रक के नीचे कुचला गया है बेचारा। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनो। राजेश को फरीदाबाद भेजो। ओके। और फैजल को बोलो कलेक्टर के घर जाए। ओके। 24 घंटे कलेक्टर के घर के सामने रिपोर्टर चाहिए मुझे। ठीक है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाओ, जुगाड़ करो कुछ। ओके। और जिस भी गैंग ने ये किया है उसको... गैंग नहीं थी, एक अकेला आदमी था। क्या? एक आदमी का काम था ये। ओह गॉड। ओके, तुम जरा कोशिश करो कि उसका बयान ले सको और मुझे व्हाट्सएप करना। आज ये स्टोरी तैयार चाहिए मुझे, कल छापनी है हमें। ओके। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? चल वो फाइल्स क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। तुम्हें पिछली बार अच्छी तरह समझाया था कि तुमने बिना किसी सबूत के आर्टिकल छापा है, फिर भी तुमने दूसरा छाप दिया। ए, चल पीछे हट, चल। मुझे काम पूरा करने जाना। हाँ तो हम भी यहाँ काम करने आए हैं। चल पीछे हट। हमारे पास बिल्कुल पक्का सबूत है, इसलिए छापा है हमने। कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट में केस फाइल करो, वहाँ देख लेंगे। कोर्ट की धमकी दे रही हो? तुम्हारा स्टाफ सुरक्षित घर नहीं पहुँचेगा तब? कल ये फिर यहाँ काम करने आए, ऐसा तुम चाहती हो ना? दिन दहाड़े गुंडागर्दी, वो भी प्रेस के ऑफिस में। चलो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। सर सर सर, शांति से सुलझाते हैं, चलिए बाहर चल के बात करते हैं। ए, पीछे हट रे। ए, शाने। ए, खड़े क्या हो? हाथ पैर तोड़ डालो इस कमीने के। नाम क्या है तुम्हारा? मुझसे हिंसा देखी नहीं जाएगी, अहिंसा परमो धर्म। हेलो सर, सिक्योरिटी बोल रहा हूँ। सॉरी आपको जगा दिया। वो अचानक मिस्टर कुमार ऑफिस में आ गए। हमने पूछा आपको क्या चाहिए तो कुछ बोले नहीं। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें सर। कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे है रहने दो। मॉर्निंग मधु। मॉर्निंग। आईडी कार्ड है क्या? आईडी कार्ड ये है ना। देखो ना, यूक्रेन में हालत बद से बदतर होती जा रही है। पहले ये उतारो, इसमें रिपोर्टर कम कमेडियन ज्यादा लगते हो। मैडम सारा स्टाफ मेंबर लोग उधर बैठे। उस तरफ है क्यों, क्या हुआ? हाय मधु, सब उस तरफ क्यों है, क्या हुआ? अनु तुम खुद आके देख लो। यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गए सब लोग? उधर लाइब्रेरी में। हेलो, काम वाम कर लो जरा। क्या रहा है? एक्सक्यूज मी, ये सब क्या चल रहा है? मधु थोड़ी मदद चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है जल्दी। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी खबर होगी, ब्रेकिंग न्यूज। जो भी है मैं बाद में समझाऊंगा, अभी हेल्प कर दो प्लीज। कलेक्टर रहमान के मर्डर के केस की जितनी भी डिटेल्स निकाली है और पिछले 5 साल में एनसीआर में हुए सारे मर्डर केस के डिटेल्स, कातिल का बैकग्राउंड, परिवार, एज, उनके स्टेटमेंट्स, सब 2 घंटे में चाहिए। निकाल के दीजिए जल्द से जल्द, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन इतने सारे डिटेल्स अभी के भी कैसे निकालूं मैं? मधु प्लीज किसी तरह करके दो। अधिराज सर, इनके साथ लग जाओ, बहुत जरूरी है। हो जाएगा। यस। ये तो मेरा लैपटॉप है ना? हाँ जी। पासवर्ड? मुश्किल नहीं था, प्लीज वो इंफॉर्मेशन निकालो। अभी प्रीति शर्मा और एक्टर अरुण के अफेयर के बारे में स्टोरी लिख रहे थे ना, उसका क्या हुआ? वो मर चुका है, ये मेरा नया अवतार है। सर ये रहे वो सारे डिटेल्स और ये रही फोटोज। ये डिटेल्स भी निकालो अर्जेंटली, ये डिटेल्स चाहिए। है कौन ये बंदा? बिलाल सर की वजह से ये सब करना पड़ रहा है हमें, लेकिन बस वो हमें वजह नहीं बताएंगे। यहाँ बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। टीम मीटिंग बुलाओ, चलो। तुम्हें अपनी टीम को लेकर कहीं और बैठना पड़ेगा क्योंकि ये जगह मुझे चाहिए। क्या बात कर रहे हो मैडम, मेरी पूरी टीम जाएगी कहाँ? कि मेरा प्रॉब्लम नहीं है। चलो टीम, जहन्नुम चलते हैं। गाइस बैठो, चलो। एक्सक्यूज मी मैम, बिलाल साहब पूछ रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद भी नहीं पता। उन्हें कहो थोड़ी देर में फोन करती हूँ उन्हें। यस मैम। सर, अरसलान के मर्डर के दिन उसका असिस्टेंट कौन था, मुझे मिलना है। ये अरसलान सर के मर्डर के केस में क्यों पूछते रहते हैं? उनके केस के डिटेल्स तो बिल्कुल क्लियर है। मैं अंदर आ सकती? आ जाओ प्लीज। ये आदमी कौन है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ये एक वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। रॉयटर्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक इसने दुनिया भर के अखबार के लिए बहुत बड़ी स्टोरीज ब्रेक की हैं। इंडिया, उड़ान और जंजीर, उसकी वो किताब बहुत ही फेमस है, शायद तुमने पढ़ी भी हो। इंडिया, उड़ान और जंजीर, क्या ये रंजीत कुमार है? ओह माय गॉड, मैंने कैसे नहीं पहचान पाई। पर वो ऐसे क्यों यहाँ इस तरह? जब कुमार और दामिनी की लव मैरिज हुई, वो दोनों बहुत ही खुश थे। वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। तब कुमार एक इंपॉर्टेंट स्टोरी कवर करने के लिए तिब्बत बॉर्डर चला गया। इधर दामिनी उससे पहले लेबर पेन में चली गई और उसके पास उस समय कोई नहीं था। अस्पताल तक पहुंचने में देर लग गई और दामिनी बच नहीं पाई। बिटिया यानी आरुषि बच गई। अगर उस दिन कुमार उसके साथ होता तो दामिनी बच जाती। इस तरह दामिनी की मौत ने उसे आत्मग्लानि में डुबो दिया। बस इस ख्याल ने कि अगर वो होता तो बच्ची बिन मां के नहीं पलती, उसने उसे खोखला कर दिया। उसे खुद से नफरत हो गई, उसकी जिंदगी शराब में डूब गई। उसे भुलाने के लिए वो शराबी बन गया और नशा ही उसका सहारा बन गया। फिर मुझे उसे ढूंढने में पूरे 6 साल लग गए। मैंने उससे जिद की कि वो चेन्नई वापस आ जाए। सर कपड़े बदल लीजिए। जरूरत नहीं सर, अपने लिए नहीं, हमारे लिए, समझा कीजिए। चलो कुमार, ब्रेक द सस्पेंस। तुम किस चीज पे काम कर रहे हो? यस, बताता हूं सर। सबसे पहले पिछले 3 दिनों की मदद के लिए थैंक यू मधु और अधिराज। मेरा रवैया बहुत अजीब लग रहा होगा आप सबको, पर अब मैं बता सकता हूं, मुझे समझ आ गया है। सबसे पहला पॉइंट, कलेक्टर का मर्डर। मारने वाले ने धर्म के नाम की हमें धमकी दी थी, कहा था मर भी सकता है और मार भी। ये देश बाहर के लोगों के वास्ते नहीं है, निकाल फेंको इन्हें। इस तरह के इवेंट वास्ते परमिशन दे दिया और हमें नहीं। सारे अन्याय हमारे धर्म के साथ क्यों होती है? ये भाषा सुन के आपको नहीं लग रहा कि ये सुनी सुनाई सी लग रही है? हाँ। तुम सब गंदी नाली के कीड़े अपन की बात गौर से सुन। अपन के अमृत सिंगम के बारे में कुछ भी उल्टा सुल्टा लिखा छोड़ूंगा नहीं। कलेक्टर का कातिल और अरसलान का कातिल दोनों एक ही उम्र के हैं। दोनों में से किसी ने भी वहां से भागने की कोशिश भी नहीं की। अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं। माँ बाप के बयान, उनकी गरीबी, बहुत कुछ एक जैसा है। सबसे जरूरी जुर्म के बाद दिया गया उनका बयान, हम मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, दिखा देंगे किसकी चलती है। ये समानताएं महज इत्तेफाक लग सकती हैं, कोइंसिडेंस, लेकिन कितनी बार मैंने ये समानताएं एक और केस के साथ जोड़ी और सोचने लगा। क्या एक और कत्ल? हाँ, मेरे ज्वाइन करने के बाद मैं एक मीटिंग में बैठा था, तब आप मसाला किंग राजीव रेड्डी की कत्ल की कवर स्टोरी डिस्कस कर रहे थे, याद है? हाँ याद है, मैंने कवर किया था। वही पैटर्न इधर भी था। कातिल कभी बाद में जाकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर करते हैं, पर कत्ल के बाद वहीं खड़े रहना, यह कितनी बार देखा आपने? रेड्डी केस में भी वही हुआ। मौका वारदात पर गिरफ्तार, मतलब सब खत्म। ना बेल ले सकते हो, ना ढंग का वकील रख सकते हो। यही हमारा काम शुरू होता है। इसी पैटर्न पर 3 केसेस हो चुके हैं। सब पर स्टोरीज की है हमने, पर किसी ने भी इस तालमेल पर गौर नहीं किया। एक अच्छा पत्रकार होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पार की नजर। हमें वो दिखता है जो दूसरों को नहीं दिखता। मसलन एक पुलिस वाला सिर्फ अपने इलाके के बारे में ही जानकारी रखेगा, एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में आए मरीजों के बारे में ही सोचेगा, और ऐसा ही चलता रहता है। पर एक जर्नलिस्ट को पूरी तस्वीर दिखनी चाहिए, शहर, राज्य, देश और पूरी दुनिया की तस्वीर, कि क्या कोई पैटर्न है। और फिर छपती है वो खबरें जो इतिहास बदल देती हैं। मुझे लगने लगा कि यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चलो वो सब बाद में। इन 3 कत्लों को एक ही नाम दिया जा सकता है, हेट क्राइम। हमें फलाना पसंद नहीं, क्योंकि वो हमारे विश्वास के खिलाफ है। नफरत के बलबूते पे किए जुर्म हेट क्राइम, और उनमें सबसे हिंसक हेट मर्डर्स। नफरत ही उनकी नींव है। एक मजहब का दूसरे मजहब के साथ, एक कौम का दूसरे कौम के खिलाफ, नफरत आजादी के खिलाफ, संस्कृति को बचाने के नाम पर। एक एक्टर के फैंस को भिड़ाते हैं दूसरे एक्टर के फैंस से। बाहर से आए हुए रिफ्यूजीज के खिलाफ हमारे समाज में किस्म किस्म की नफरत बोई जाती है, और हर इंसान में इस नफरत का बीज पाया जाता है। बस हवा पानी मिलने की देर है और ये फैलने लगता है। और ये लोग पैसे या ताकत के लिए खून नहीं करते, ये धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, कौम के नाम पर करते हैं, और उसे कहते हैं हेट क्राइम। पर ये सब तो समाज में हमेशा से घटते रहने वाली बात है। नफरत की वजह से मारकाट तो युगों युगों से चलती आ रही है। हाँ, ये जरूर हुए हैं, पर किस संख्या में, किस तादाद में, ये है एनसीआरबी रिपोर्ट। 2012 तक ये 8-10 से ज्यादा नहीं रहे होंगे, पर 2012 के बाद 150 तक पहुंच गए। ये सब हमारे लिए काफी नया है। 2020 में 158 लोग हेट मर्डर्स का शिकार हुए। जुर्म का ऐसा बढ़ना नॉर्मल तो नहीं है ना मधु? हाँ, मैंने भी ये नहीं सोचा। तो एक बार सोच के देखते हैं, क्या इस सब के पीछे किसी इंसान या किसी संस्था का हाथ है? क्या? आपकी बात तो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन ये सारा कुछ जासूसी फिल्म की तरह लग रहा है। हाँ, सही कह रहे हो। शर्लॉक होम्स की एक बहुत मशहूर लाइन है, सारी इम्पॉसिबिलिटीज हटाने के बाद जो भी बच जाए, चाहे कितना भी अजीब हो, वही पॉसिबल है। सारी इम्पॉसिबिलिटीज हटाने के बाद हमारे सामने जो रह जाएगा वही सच है। कोई इंसान या संस्था इन कत्लों के पीछे है, ये मुझे सिर्फ सोचकर या पढ़कर नहीं लगा, इसके पीछे मजबूत कारण है। जब से मैं यहां आया हूं, एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है, अभी भी वो बाहर ही खड़ा है, इसलिए मुझे लगा कि अरसलान के केस में कुछ झोल है। आप जो ये कह रहे हैं, यकीन है आपको? यस। यहाँ किसी को भी नहीं पता था कि आप आ रहे हो, यहाँ तक कि बिलाल सर तक को नहीं पता था। तो फिर उस आदमी को कैसे पता चला कि आप यहाँ आने वाले हो? शायद वो आप पर नजर नहीं रख रहा था, वो इस ऑफिस पर नजर रखे हुए था। शाबाश, यही मेरा पॉइंट है। वो इस ऑफिस पर नजर क्यों रखेंगे? अब आते हैं इस मुद्दे पर। उन्हें डर है कि कोई यहां आकर सवाल उठाना ना शुरू कर दे। वो जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और आखिर यहां पर क्यों आया हूं। मेरा अरसलान के साथ क्या रिश्ता था, यह सब पता करने के लिए ही वो मेरा पीछा कर रहा है। उस दिन पीने के अड्डे पर एक लड़ाई हुई थी, याद है अधिराज? उस वेटर ने एक बहुत जरूरी बात बताई थी। अरसलान का कातिल उस दिन वहां पी रहा था, ये बात तो सब जानते हैं, पर हमें ये बात नहीं पता कि उसके साथ कौन था। ये सब साजिश इसलिए है ताकि अमृत राजनीति में ना आए। अरसलान उस मैगजीन का मालिक, ये उनका दलाल है। सिंघम बेचारा गाड़ी में बैठकर रो रहा था, उसके ड्राइवर ने बताया। क्या बोल रहे हो? सिंघम रो रहा था। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? ये ला दोस्त, उसने सिंघम की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसके झूठ को अब सब सच समझने लगे हैं और सिंघम पर थूकते हैं, देखा ही नहीं जाता है। हाँ भाई, उसके साथ बहुत गलत हुआ। जब लोग उसको गाली देते ना तो खून खाता अपन का। अरसलान का ऑफिस इधर ही है। अगले हफ्ते वो अमृत पर एक और गंदा आर्टिकल छपाने वाला है कि कैसे उसने लड़कियों का फायदा उठाया। उसे वो छापने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो सिंघम तो अब जान ही दे देगा अपनी। उसके लिए उसकी खुददारी सब कुछ है। मैं ये होने नहीं दूंगा। उस अरसलान को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, सबक सिखाएगा। मैं तो एक खंजर भी लाया हूं दोस्त, पर क्या अब मेरी उम्र हो गई है ना, हड्डियों में जान ही नहीं बची। तुम्हारी उम्र का होता ना तो उसे कब का खत्म कर दिया होता। तुम्हें पता है मेरी सारी जिंदगी अमृत सिंघम के सहारे ही कटी है, और उसके लिए तो मैं मर भी सकता हूं और मार भी सकता हूं। सुनो, मैं जरा होकर आता हूं। हाँ, भाई और कुछ चाहिए क्या? हट भाई, भाई नहीं भाई। बाबू ने ये सारी बात पुलिस को क्यों नहीं बताई कि कातिल के साथ कोई और भी था वहां पर? क्योंकि पुलिस ने उससे पूछा ही नहीं। यही बात मैं कह रहा हूं, हम सब ने इस बात को नजरअंदाज किया है। मैं बार बार पूछता रहा कि अरसलान के केस को लेकर कोई शक है? तुम सब ने उस कत्ल को अपनी आंखों से देखा। एक पल के लिए भूल जाओ क्या देखा और सोचना शुरू करो, क्या वह नाटक रचा गया था? तुमने देखा जो तुम्हें दिखाया गया। जैसे कि एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वैसे ही जो तुमने देखा वो एक छलावा था। ये क्या कर रहे हो कुमार? आंखों देखी बात आखिर झूठी कैसे हो सकती है? तभी तो ये लोग इतने शातिर हैं। वो फैन खूनी था, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसको कठपुतली की तरह किसी और ने नचाया है, ये पक्का है। अब उस इंसान को एक नाम देते हैं, इन्फ्लुएंसर। वही इंसान जो मेरा पीछा कर रहा है। किसी ने नफरत की आग को हल्की सी हवा दी और एक मासूम के हाथों खून कराया। अगर हमें पता चल जाए कि वो कौन है तो होगा असली खुलासा। अगर आज अरसलान जिंदा होता तो वो भी यही करता और मैं भी यही करूंगा। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि अमृत सिंघम ने खुद यह कत्ल करवाया, एक फैन को गुमराह करके उसी के हाथों अरसलान का खून करवाया? मुझे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। ये तो मैं नहीं जानता, और सबूत के बिना हम कुछ भी नहीं कह सकते। सबूत ढूंढने के लिए मुझे मदद चाहिए। अरसलान की तरह वो सारे मर्डर्स जिसके यही पैटर्न हो, जैसे कलेक्टर का मर्डर, मसाला कंपनी के मालिक का मर्डर, ये पता करना होगा कि उधर भी क्या कातिल को गुमराह किया गया था? क्या वहां भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे? हाँ ठीक है, तो जो आदमी आपका पीछा कर रहा है क्यों ना हम उसी को ढूंढकर पता लगा ले। अगर वो भांप गया तो अपने नेटवर्क को आगाह कर देगा। हमें चुपचाप किसी और इन्फ्लुएंसर को ढूंढना होगा, उसको बिना कोई खबर लगे। और जब हम किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को ढूंढने में कामयाब होंगे तब जाके पता चलेगा कि हमारा शक सही है। लेकिन कातिल तो हर रोज दर्जनों लोगों से मिलते और हंसते बोलते होंगे, उनमें से कोई एक उकसाने वाला कौन है कैसे पता चलेगा? इस किस्म के कई सारे और इंसिडेंट्स छोटे छोटे गाँव में भी हो रहे हैं। बड़े शहरों में सब अनजान होते हैं, लेकिन छोटे छोटे गाँव में बाहर से आए इंसान को ढूंढा जा सकता है। किसी छोटे गांव में ढूंढो ऐसी कोई वारदात, तभी ये गुत्थी सुलझेगी। किसी भी केस का पीछा करने के लिए उसकी तह तक जाना जरूरी है। सिर्फ यही एक तरीका है। पिछले 7 सालों में हुए सारे हेट मर्डर्स की लिस्ट तैयार की है। इन गाँव कस्बों में जाकर पूछताछ करेंगे। हमारे सारे आउट स्टेशन रिपोर्टर्स को तुरंत ही काम पर लगा दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मधु, तुमसे कुछ बात करनी थी। एक मिनट। हेलो, ओरछा से रिपोर्टर वसंत है लाइन पर, आपसे बात करनी है। हाँ वसंत। हेलो सर, ओरछा के पास एक गांव है निवारी जिले में। कलेक्टर का कातिल मदन जो है वो यहीं का है सर। उसके दोस्त बता रहे थे कि 10-15 दिन पहले वो इनका साथ छोड़कर पास के एक दुकानदार के साथ उठने बैठने लगा था। सर वो आदमी कई बार मदन से मिलने आया था, पर ये लोग कहते हैं कि कलेक्टर का कत्ल होने के बाद से वो दिखाई नहीं दिया सर। वो दुकान भी मिल गई है और उसका दुकानदार भी। आप कहे तो पूछताछ करूं? बिल्कुल आराम से बात करना, उसे ये ना लगे कि हमें उस पे शक है। मुझे फिर बताना वो कैसे रिएक्ट करता है। ओके सर। हेलो सर, एक रिपोर्टर आया था, मदन के बारे में पूछ रहा था। तुमने क्या कहा? मैंने उससे कुछ नहीं कहा सर, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है सर। ऐसा करो, उस सेफ हाउस में जाकर छुपा दो। हाँ ठीक है, आज रात को ही निकलता हूँ सर। कुमार, क्या प्रोग्रेस है? शुरू से शुरू करता हूँ। हमारे देश भर में इस पैटर्न के बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं, और ये मर्डर्स अपने आप नहीं हो जाते। एक आदमी मर्डर करवाए ये मुमकिन नहीं। इसके लिए तो पूरी एक संस्था चाहिए। हर हेट मर्डर में हमें कातिल का इरादा तो मालूम है, पर यह नहीं सोचा कि मरने वाले के और भी दुश्मन थे। यह चीज हमने सोची ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे खून दिन दहाड़े सबके सामने हुए। कातिल भी हमारे सामने ही था, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे अपने गुनाह पर यकीन था, और इसलिए पुलिस ने भी और तहकीकात नहीं की। मसलन कलेक्टर के मर्डर केस में मर्डर के पहले कलेक्टर एक भ्रष्ट एमएलए के साथ भिड़ा था रेत की तस्करी रोकने। हमने वो खबर छापी थी। एमएलए कलेक्टर को मारना चाहता है, पर उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको चाहिए एक अनजान किलर। वही है हमारा खूनी, और उस खूनी को गुमराह करता है इन्फ्लुएंसर। हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। अब खूनी भी है और उसकी मति भ्रम करने वाला भी, और जिसने इस काम के पैसे दिए। अब हमें ठिकाना पता लगाना है, सिर्फ इस संस्था का, और वहां तक पहुंचने के लिए एक ही कड़ी है, वो आदमी जो बाहर है। मुझे उसे फंसाना है और उससे सच उगलवाना है। हम जितनी भी देर करते हैं उतने और मासूमों की बलि चढ़ेगी। सिर्फ मरने वाला ही शिकार नहीं है, मारने वाला भी शिकार है। गर्मा गर्म पोहे खाओगी ना? गैरेज में वेट करो, मैं आती हूं। हमारी आंखों के सामने एक जाल है, और उस जाल का एक धागा हमारे हाथ आया है, और उस जाल के बीच में कोई मकोड़ा नहीं, एक दानव है, और इस दानव को जल्द से जल्द रोकना है। वो जो भी हो, जहां भी हो, उन्हें रोकना है। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अरे वो वानम वाले मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। उनका रिपोर्टर तो ओरछा तक भी पहुंच गया। उसने हमारे एजेंट से बातचीत की जिसने कलेक्टर का काम करवाया था, और वो कुमार मेरी तरफ जिस तरह देखता है, मुझे तो कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है। समझ में नहीं आया क्या करूं तो यहाँ पर चला आया। अच्छा, तो सीधे यहाँ आ गए? हाँ, तुम्हें बताना था ना। नमस्ते भाई, आओ बैठो। क्यों, बहुत इंटरव्यूज दे रहे हो आजकल? सब आपकी मेहरबानी है भाई। बस क्या क्या मेहरबानी। जी चलो चलो चलो। एक पार्टी मेंबर है, मेरे ही गांव से है, और वैसे हम दोनों जात भाई भी हैं। उसकी एक 18 साल की बेटी है, मेरे घर में बच्चा संभालने का काम करती थी। सांवली सी है और बहुत सुंदर। अब दिल आ गया, कंट्रोल थोड़ी होता है। मौका देख चौका मार लिया मैंने। एक दिन कहती है पेट में बच्चा है और मुझसे शादी करनी है। शादी करनी है? क्या कह रहे हो आप? अभी ये बात गलती से भी बाहर नहीं आ सकती। अभी तो समझा बुझा कर उसे उसके घर भेज दिया है मैंने। बस इतनी सी बात है, आपका काम हो जाएगा। आप बस मुझे उसकी फोटो और एड्रेस दे दीजिए। एक नया तरीका है काम का आजकल, जिससे आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। आजकल की टेक्नोलॉजी कमाल की है। बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। है, पर टेक्नोलॉजी से इसका क्या लेना देना? अरे है ना, एक पूरी टीम है इसके पीछे। बस दो खोके जिस स्विस अकाउंट में बोलूं आप डाल देना, काम हो जाएगा आपका। अबे यार क्या बात कर रहे हो, दो खोके? कुछ लोग तो बस 10 पेटी में कर देते हैं। पर इसमें नाम आने की 100% गारंटी है। पैसे उसके लिए तो है, पर वो कैसे मुमकिन है? बिटकॉइन और डार्क वेब के बारे में सुना है? किसका बेटा? आप तो रहने ही दीजिए, ये सब काम मुझ पे छोड़ दीजिए। बस उसकी डिटेल्स भेज दो। हाय, गुड मॉर्निंग दीदी। क्या हुआ? वही राजेंद्र वाला मामला? और क्या कर सकती थी, वो गधा घर चला आया। उसको पता है कि सारे रिपोर्टर उसके पीछे हैं। ठीक है, पर वो तो शुरू से हमारे साथ था। दीदी इसमें कंफ्यूजन क्या है, टीम हमेशा सबसे पहले आती है। हाँ, इट्स ओवर, चलो काम करते हैं। अच्छा, उस रंजीत कुमार का क्या? उसकी फिक्र मत करो, राजेंद्र उसका इकलौता क्लू था। उसके बिना वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। एड्रेस तो यही दिया था रवि ने। पड़ोसियों से पूछते हैं। सर सर, यहाँ राजेंद्र रहता है? वो उस हिस्से में रहता है। उसका फोन भी बंद है, समझ में नहीं आ रहा अचानक कहाँ गायब हो गया है। आज 10 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक भाड़ा नहीं दिया। थैंक यू सर। थैंक्स। अब ये क्या झोल है, एक हफ्ते से गायब, कहां गया होगा? घर चलकर समझाता हूं। मैरी दीदी, क्लोज्ड फॉर लंच का बोर्ड लगा दिया? हाँ लगा दिया। एक नई इंक्वायरी आई है, मैंने बेसिक मैचिंग कर ली है, अब तुम लोग बताओ। रेफरेंस जयराज। कौन जयराज? डीआईजी। तुम नहीं जानती, पुराना कांटेक्ट है। ओके, पेमेंट आ गया? आ गया है, बिटकॉइन ट्रांसफर। टारगेट का नाम कनिका, उम्र 18 साल, लोकेशन गोविंदपुरी। ये प्रेग्नेंट है पर शादी नहीं हुई। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। क्या मुझसे छुपाओगी? देखो ना, वो छोटी सी बच्ची तो है, ऊपर से प्रेग्नेंट है, इसलिए। तुम हमेशा ही ऐसे करती हो। क्या हम पर किसी ने तरस खाया था? प्लान पे फोकस करते हैं। इसके इलाके में अक्सर सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, तो उसी बात का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, वैसे भी फिल्टर करके देखा है, ये चारों टारगेट की ही जाति की हैं। मैंने चारों की हिस्ट्री चेक कर ली है, मानसिक प्रोफाइलिंग भी सही है चारों की। हमारी औरत और जमीन को हाथ लगाओगे तो मारे जाओगे। हम हैं सबसे ऊपर, बाकी सब है हमारी जूती के नीचे, ये बात समझ लेना और सबको समझा देना। चारों ही परफेक्ट लगते हैं। सबसे सही कौन है कल तक बताऊंगी। परफेक्ट। जैसा कि मैंने कहा था, अब सब साफ है। जिनका खून हुआ सिर्फ वो विक्टिम नहीं है, कातिल भी विक्टिम है। राजेंद्र के घर से निकलने के बाद मैं और अधिराज जेल तक गए थे, उन मुजरिमों से मिलने जो इस पैटर्न के मर्डर्स में गिरफ्तार हुए। उन सब ने मुझे जो जो बताया उससे मेरे कई सारे शक यकीन में बदल गए। वो पैटर्न समझ में आया कि वो किस तरह इन लोगों को चुनते हैं। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग। प्रभु की माँ की एक छोटी सी इडली की दुकान है, उसका बाप नाकाम और बेवड़ा है, घर पर मारपीट करता रहता है। प्रभु अपनी साइकिल से ही अपनी दुकान तक जाता है। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग मतलब मानसिक अवस्था देखकर लोगों का चयन करना। मानसिक अवस्था कैसे? वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो धर्म, जात या कौम को लेकर कट्टरवादी हैं। आज ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल नहीं है, ये आज से 10 या 15 साल पहले मुमकिन नहीं होता। तो फिर क्या बदला? सोशल मीडिया। एग्जैक्टली। हम कौन हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा मूड कैसा है, ये सब हम आखिर कहाँ बताते हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। यह है प्रभु की फेसबुक प्रोफाइल। उसे किसी लड़की से प्यार था और हर जगह उसका पीछा करता रहता था। लड़की ने कंप्लेंट फाइल कर दी तो हलचल मच गई। 2 महीने पहले उसने सुसाइड करने की कोशिश की। यानी अनपढ़ है, जातिवादी और सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड भी। सोशल मीडिया उनका सबसे सटीक औजार है। वो उसी से भांप लेते हैं कि किसको खूनी बनाया जा सकता है और किसको नहीं। यही उनका तरीका है। मैंने कुछ वीडियोस निकाले हैं, देखिए। हमारे ही टुकड़ों पर पल रहे हो, इसलिए चुपचाप रहने का। अगर टपका डाला ना तो ना ही कोई लाश पर रोने आएगा और ना ही कोई मातम मनाने, समझा ना? तुम 2 टके के रिव्यूअर्स, तुम होते कौन हो हमारी बुराई करने वाले? हाँ, अब उन काट के फेंक देंगे और खून भी पी जाएंगे, आजमा के देख लो। उदाहरण के तौर पर अगर उनका टारगेट कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति है तो सोशल मीडिया पर एक जाति कट्टरवादी को ढूंढेंगे। फिर वो उन सभी का मानसिक संतुलन चेक करेंगे, उनको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर उन्हें और ज्यादा भड़काने की कोशिश करेंगे और इस तरह इन गरीब लोगों के गुस्से को और हवा देंगे और कातिल बनाएंगे। मैं जेल में कुछ ऐसे ही कैदियों से मिला था। अगर कैंडिडेट को नशे की लत है तो ये उनका काम और आसान कर देता है। उनकी नफरत को भड़काकर टारगेट की ओर धकेल देते हैं। नशे में धुत वो बेचारा अपने ही काबू में नहीं रहता, उनकी मति मारी जाती है और वो कत्ल कर देते हैं। प्रभु सही लग रहा है मुझे। परफेक्ट, काम शुरू कर दो। ठीक है। उससे बात कौन करेगा? कास्ट का रूट है तो मैं राघव को देने का सोच रही थी। नहीं नहीं, उसकी उम्र ज्यादा है। प्रभु इसके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। वीरेंद्र इसके लायक है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। बिना किसी सबूत या सुराग के हम इतने बड़े नेटवर्क को कैसे तोड़ेंगे? इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। हम जब तक बात कर रहे हैं शायद किसी की जान चली जाए। हम जितनी जल्दी इन लोगों का ठिकाना लगाएंगे उतनी जाने बचेंगी। अरे भाई है? ये कॉइल जरा फूंक गया है, एक बार देखो ना। 1 घंटा लगेगा। ठीक है, कर दो। ये दुकान तुम्हारी है क्या? नहीं नहीं, अच्छा। मैं इधर काम करता है। अरे तुम तो अपनी बिरादरी के हो, तभी सोचा कहाँ देखा था तुम्हें। ऐसा क्या? पहले तो हम यहाँ के जमींदार थे, ये जमीन अपनी थी और अब टुकड़ों के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये ले रख ले। इतना एडवांस नहीं मांगता। अरे रख ले यार, अपने ही अपनों का ख्याल रखते हैं। हाँ ठीक है भाई, चल मिलता हूँ। हाँ। पहले हम किस ठाट बाट में रहते थे, मुगल हो या ब्रिटिश हो, हमें कोई हाथ ही नहीं लगा सकता था। हाँ, जहाँ पे हम रहते थे विजयनगर, वहाँ पर हर कोई आकर हमारे पैर छूता था। जब हमारे पूर्वज एक हुंकार लगाते थे ना, तो सारा गांव हमारे पीछे पीछे आता। हाँ, हमारी लड़कियों को अपने चाल में फंसाते हैं, उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देते हैं। कोई रोकने वाला ही नहीं है उन्हें। उनको खलास कर देना मांगता है। मेरा तो खून खोल रहा है। उस फूल वाली को देख रहा है क्या तू? वो अपनी बिरादरी की है। अपने माँ बाप से लड़के वो दूसरे जात वाले के साथ शादी करके भाग गई, उसी का पाप पेट में पाल रही है। उसके माँ बाप तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हम तो उन्हें छोड़ देते हैं, पर वो हमारी लड़कियों को नहीं छोड़ते। सबके सामने ऐसी लड़कियों का गला काटेंगे, तब समझ में आएगा इन सारे मर्दों को। लड़की के साथ साथ उसके पेट का पाप भी खत्म करते हैं। अपनी बिरादरी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। मेरी अब उम्र हो गई है, खून गर्म होता तो मैं ही निपटा देता। तेरी खोपड़ी जगह पर है ना? मेरे को लगा नशे में कुछ भी बकबक कर रहा है। तू मेरे को फंसाने की बात कर रहा है। पकड़ा गया तो जिंदगी बर्बाद है, समझा ना? कोई देख ले उसके पहले छुपा ले इसको अपने पास। हैं? बोलता है एक ही बिरादरी के है। अपना प्लान काम नहीं आया। छोड़ दो उसको, तुम उस नारियल पानी वाले के पास जाओ। ठीक है। अरे तुम तो अपनी बिरादरी के हो ना, वही सोचा कि कहीं देखा था तुम्हें। हाँ भाई। पता है कि एक जमाने में हमारे क्या ठाट बाट थे। हाँ। कोई नहीं, दे दो एक नारियल पानी। हमारा इन्वेस्टिगेशन हमें बार बार उस राजेंद्र की ओर ले जाता है। हमें उसे छोड़कर किसी और को जरिया बनाना होगा। और किसे सर? सुन, मैं रेडी हो गया, चले गया। ये क्या वाहियात कॉम्बिनेशन है? भूल गया तू? मुझे लेदर से एलर्जी है ना। हाय कुमार। नहीं नहीं ठीक है। ये बताओ आरू कैसी है? बाबा ने कहा था कि वो आएंगे, मैंने फोन किया पर उन्होंने उठाया ही नहीं। शायद वो बहुत बिजी होंगे। तुम ठीक हो? तुम्हारा कोई गलत फायदा उठा रहा है क्या? कोई तुम्हें सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है? वो अभी हमें साथ वाले घर से देख रहा है। मैं हूं ना कीर्ति, मुझे सब साफ साफ बताओ। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में गुजर गए। उसी दौरान मेरे सबसे छोटे मामा ने कहा कि वो मुझे पालेंगे। वही है अजय मेनन। और मुझे अपने घर ले गए। मुझे पाला पोसा, सहारा भी दिया। मैंने जो कुछ भी मांगा मुझे सब कुछ दिया, पर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। हर रोज और हर रात। आई एम सॉरी। ये जब शुरू हुआ तब मैं सिर्फ 8 साल की थी। फिर एक दिन रोशनी बनकर कोई मेरी जिंदगी में आया, अरसलान। अरसलान के आने के बाद मामा की पकड़ मुझ पर ढीली पड़ गई, और जैसे मुझे लगा कि अब मैं खुश रहूंगी, तब अचानक अरसलान का मर्डर हो गया और मेरी जिंदगी में फिर से अंधेरा छा गया। मामा फिर से मुझे पहले की तरह टॉर्चर करने लगे। I really don't know what to do with my life. मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ, इसको मैं देखता हूं। हम है ना, डरो मत। ए, ए, कहां घुसा जा रहा है? तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ए, बहरा है क्या? तेरी ए, पागल है क्या? अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूं। अब सुन, मैं जानता हूं तू कौन और क्या है। मेरे सर पर खून सवार है अभी, पर तेरे पास वो है जो मुझे चाहिए, इसलिए पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुझे अभी मार ना दूं। पर ज्यादा शातिर बनाना तो यहीं तुझे काट के बाहर गाड़ के चला जाऊंगा। अगर मैं चाहूं तो मामा को नानी याद दिला दूं। तूने अपने भांजी के साथ जो किया वो पूरी दुनिया को बताने के लिए तैयार है। वो अब तुझसे नहीं डरती क्योंकि उसके साथ मैं हूं। अब तुझे मैं आखिरी मौका देता हूं, मुझे बता दे कि अरसलान को कैसे मारा और फिर शहर से निकल ले, तुझे छोड़ दूंगा। अगर कुछ भी छुपाया या कीर्ति की तरफ दोबारा देखा तो फिर किसी को हाथ लगाने के काबिल नहीं रहेगा। बता, उस संस्था के बारे में तुझे कैसे पता चला? कौन सी टीम? कौन सी टीम? हे, मुझे सब पता है। अरसलान के खूनी को कैसे जानता है? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बोल। मैं जेल ही जाऊंगा। अब सीधा ऊपर जाएगा अगर मुंह नहीं खोला तो। जल्दी बोल। मेरे एक दोस्त है, बिजनेसमैन है, बताया मुझे कि ये लोग ऐसे मर्डर करवा देते हैं। ये बिल्कुल सेफ प्लान था, 100%। नाम नहीं आएगा पर इसके पैसे बहुत लगेंगे। उसने 2 करोड़ रुपए मांगे, मैंने उसी को पैसे दे दिए और अरसलान के डिटेल्स दे दिए। मुझे बस इतना ही पता था भाई। दोस्त का नाम क्या है? कहाँ मिलेगा? वो केमिकल्स का मालिक है, एक राज। अरे बैठो बैठो बैठो। एक केमिकल्स के मालिक से मिलना है मुझे, कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लो। अपॉइंटमेंट मिल गया तो भी हम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। मिनिस्टर का खास आदमी है। इत्तेफाक तो नहीं लगता कि दोनों के दोनों 1 महीने के फॉरेन टूर पर हैं। हमारे पास भी टाइम कम है। पर आपने कहा था ना कि वो सोशल मीडिया पर इस तरह के कातिल ढूंढता रहता है। आपको लगता है इस तरह का टेक्निकल काम बहुत लोग कर पाते होंगे? नहीं। तो ऐसी कौन सी IT कंपनी है जो मर्डर प्लान करने में हेल्प करती है? सही कहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा इंसान है जो आईटी में बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है। अगर हम इस एंगल से ढूंढें तो कैसा रहेगा? अच्छा आइडिया है। तो आप क्या करना चाहिए? कुछ महीने पहले हमने एक टेक एक्सपर्ट शाम सुंदर को प्रोफाइल किया था। हाँ किया था ना। शायद उससे हेल्प मिल सकती है। देखो वो कल मिल सकता है क्या, चेक करो। देखिए जो आप करने के लिए कह रहे हैं वो करना इतना आसान नहीं है। आजकल के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में सब कुछ ट्रेस किया जा सकता है। गूगल पर हाउ टू मर्डर टाइप करके देखिए, पुलिस आपके दरवाजे पर होगी। गवर्नमेंट इतनी कड़ी नजर रखती है सब पर। इसके बावजूद ऐसे लोगों को ढूंढना, फिल्टर करना, उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करने के लिए बिग डेटा क्रंच करने का एल्गोरिथम बनाना, ये काम या तो कोई बहुत बड़ी आईटी कंपनी कर सकती है जो सालों से काम कर रही हो, या फिर जहां तक मैं जानता हूं तमिलनाडु में या फिर पूरे देश में सिर्फ 4-5 लोग ही हैं जो ये काम अकेले कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई है जो ये अकेले कर सकता है? यस सर, दे आर फ्रीक जीनियसेस। जब से बिग डेटा का रिसर्च शुरू हुआ है ये लोग खुद को इसमें ट्रेन कर रहे हैं। क्या तुम मेरे लिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हो? श्योर सर, मुझे 1 मिनट दीजिए। पायल मेहता, ऑस्टिन, मधुबाला, भारती और अरविंद, ये 7 साल पहले बेंगलोर में हुए इंटरनेशनल बिग डेटा कॉन्फ्रेंस का फोटो है। ये 5 पैनल्स थे। कोई ये काम अकेले कर सकता है तो वो इनमें से कोई एक है। पर ये अभी कहाँ होंगे? 1 मिनट। पायल इज एट PPA इन्फोटेक। ऑस्टिन का अपना स्टार्टअप है। मधु वर्क्स एट नासा। अरविंद गवर्नमेंट योजनाओं में कंसल्टेंट है और भारती नहीं मिल रही। तो फिर हम इन्हें ढूंढेंगे कैसे? रिवर्स इमेजिंग सर्च से भी कहीं नहीं मिल रही। इनफैक्ट डिजिटल दुनिया में वो है ही नहीं। हाई टेक इंसान और लो टेक पहचान, कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ। मछली को पकड़ने के लिए जाल चाहिए। क्या हम जाल बिछा सकते हैं? मैं समझा नहीं। क्यों ना हम एक ऑनलाइन कंपटीशन करें लोगों के कोडिंग स्किल्स टेस्ट करने के लिए। कोई भारी इनाम, मोटी रकम या किसी किस्म का खास सम्मान दे देंगे। पैसों के लिए ना सही, लेकिन खुद को चुनौती देने के लिए शायद भारती इसमें भाग ले। उसके ईगो पर खेलते हैं। ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं ना? बहुत होते हैं सर। We can conduct an online data mining competition. कोई complex exercise like a hackathon. Good. यही करते हैं। प्लान को एक्टिवेट करो। बोलो शाम। सर, कंपटीशन शुरू हो गया है। अब वो कभी भी ट्राई कर सकती है सर। ओके, मैं आता हूं। लगता है वही है। लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। उसने अपना IP एड्रेस छुपा रखा है सर, पर मैंने ट्रैकर कोड लगाया हुआ है सर। बस 2 मिनट में मिल जाना चाहिए सर। एक साथ बहुत सारे लोकेशंस का धोखा है, पर एक्चुअल लोकेशन यहीं दिल्ली की है। लोकेशन का नाम है SSR ट्रेवल्स। जी कहिए। हेलो, मैं कुमार। भारती से मिलना है। पर यहाँ भारती नाम की तो कोई लड़की नहीं है। कोई और मदद कर सकती हूँ? मैरी दीदी, वो टिकट लो। आ गई। मैं कुमार एक स्टार्टअप लॉन्च कर रहा हूँ। ओके। एक मोबाइल ऐप का आइडिया है। अच्छा, तो फिर आप भारती है ना? मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, फैन हूँ आपके काम का। 7 साल पहले बैंगलोर के कॉन्फ्रेंस में मिले थे हम। आई एम नॉट भारती, आई एम निशा। यहाँ कोई भारती नहीं है। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो। Sorry for the trouble. सर क्या निशा ये सब कर रही है? वो अकेली नहीं है। बोलो निशा। मुझे पता है तुम बहुत कुछ सोच रही होगी, पर तुम चिंता मत करो। अब उन लोगों को मैं मिल गई हूं, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। मेरा सफर यहीं तक था। मुझे पता था। अपना ख्याल रखना। तुम सब भूल जाओगी। टेक केयर। बाय संगीता। नॉर्थ तमिलनाडु में नंबर्स ज्यादा हैं। यस सर। ताजा रिपोर्ट्स अभी भी आ रहे हैं, आते ही आपको भेज दूंगी जल्द से जल्द। सर वो निशा ने सुसाइड कर लिया सर, अभी अभी खबर आई। क्या? आप लोग जरा बाहर रुकिए। मधु, अधिराज, तुम दोनों यहीं बैठो। कोई सुराग मिलते ही एक मौत हो जाती है। ये लोग बहुत तेज और बेरहम है। राजेंद्र को तो बहुत पहले ही मार दिया होगा। फंदा कसता जा रहा है और वो ये जानते हैं। मुझ पर जरूर नजर रख रहे होंगे। सर मतलब उनका अगला टारगेट आप हो? नहीं, मुझे हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी अभी यहां वो एक कत्ल कर चुके हैं। एक और करेंगे तो पुलिस को पैटर्न नजर आने लगेगा। उनका अगला कदम मुझे रोकने का होगा। वहां चोट करेंगे जहां दर्द हो, यानी कि मेरी बेटी। कौन सा स्कूल? सिद्धार्थ हाई स्कूल। कौन सी क्लास? हाँ कर दो। सिंधु हलवा खाएगी ना? मम्मी। हेलो आंटी। किससे मिलना है? हाय, मैं पास में शिफ्ट होने वाला हूँ, सोचा आपसे थोड़ी जानकारी ले लूँ। वेलकम, आइए अंदर बैठिए। मेरी बेटी आरुषि। हेलो। हाय। ये मेरी बेटी सिंधु। हाय। घर पे हलवा बनाया है, खाएंगे ना? ये एरिया सेफ तो है ना? बिल्कुल सेफ है सर, पर कोई भी जगह बिल्कुल सेफ तो होती नहीं है। खतरा तो आजकल हर जगह होता है। आपकी भी तो बेटी है। ये लो बेटा। थैंक यू। संभाल के रहिएगा। आपके हस्बैंड, फैमिली? नहीं नहीं नहीं, मैं सिंगल मदर हूँ। वैसे मेरा नाम है संगीता। हाय संगीता। मेरा नाम रंजीत कुमार। मुझे पता है। वाव, रोड रनर। तुम भी आओ। मम्मी मैं भी जाऊं? वैसे मैं तुम्हारे ऑपरेशंस के बारे में सब कुछ जानता हूं। सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, क्यों? सिर्फ पैसों के लिए तो कोई ये काम नहीं करेगा। ये खून की प्यास क्यों? ओह, फ्लैशबैक चाहिए। हमेशा कहानी की तलाश। कुछ आइडियाज तो आपके भी होंगे कि क्या है इस साइकोपैथिक बिहेवियर के पीछे। एक कहानी सब कहानियों से कहीं ज्यादा भयंकर। आपके सामने मैं कोई सफाई नहीं पेश करना चाहती। सच तो यह है कि काम थोड़ा मुश्किल है, और उस काम को कर गुजरने का नशा कुछ और ही है। जो सबके लिए नामुमकिन हो वो करके दिखाना नशा है। जैसे तुम और जर्नलिज्म। तुम्हें यकीन है ना कि तुम अच्छे और मैं बुरी हूं, सही कहा ना? पर मुझे लगता है तुम्हें मजा आता है इस खेल को खेलने में, है ना? खून होने से रोकना या जान बचाना नहीं। तुम्हारा खेल है अपनी हुनर से वो खबर निकालना जिससे सब बेखबर हो। दैट ब्रेकिंग स्टोरी तुम्हारी असली प्रेरणा। दैट्स योर थिंग। लेकिन मानो या ना मानो पर सच यही है। तुम्हें नशा करने की आदत थी ना? इस कहानी ने तुम्हें वहां से निकाला, अब इस कहानी का नशा है, बस इतना ही। लेकिन तुम एक बात नहीं समझते, मैं गिरफ्तार हो ही नहीं सकती क्योंकि वो ऐसा होने ही नहीं देंगे। ये पूरा सिस्टम मेरे कंट्रोल में है। खैर, बहुत हुई गपशप। इस नेटवर्क की सबसे कमाल बात पता है क्या है? अगर मैं एक खूनी को जाकर बोलूं कि ये खून तुमने नहीं किया है बल्कि हमने तुम्हें गुमराह करके तुमसे ये खून करवाया है, वो मना कर देगा और कहेगा नहीं नहीं ये खून तो मैंने ही किया है, पर तुम ये बात नहीं छाप सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। और मुझे पता है सही जांच के बिना तुम स्टोरी नहीं छापोगे। देखो, मैं एक प्रोफेशनल हूं, बेवजह किसी को कभी चोट नहीं पहुंचाती, लेकिन जरूरत पड़े तो करूंगी। तुम अपने बारे में सोचो, एक और हादसा झेल पाओगे? उसे आउट कर दो, कहती हूँ। आरुषि, चलो बेटा। आंटी, सिंधु को आप कभी मेरे घर लाओगे क्या? पक्का। क्यों सिंधु, चलेंगे ना उनके घर? आओ तुम्हें दिखाती हूँ, उनके पास एक क्यूट पपी है, मैं दिखाती हूँ। हाँ। ओह, चल बेटा, हैप्पी हॉलीडेज। थैंक यू, सेम टू यू। हाय शाम, सर्वर हैक करके डिटेल्स निकाल सकते हो? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। ये लोग बहुत तेज हैं। भारती ने बहुत सेफगार्ड्स लगा के रखे हैं और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट डेटा तो ऑनलाइन डाला ही नहीं है इन्होंने। आपको सर्वर्स लाने होंगे मेरे पास, और कोई तरीका नहीं है। ओके, समझ गया। हाँ बोलिए सर। अधिराज, एक काम है। हाँ बताइए ना, क्या काम है? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? कर सकते हो या नहीं? यस सर, हो जाएगा। अरोरा जी, यहाँ इतने मरे हुए चूहे कहाँ से आए? हाँ सर, यहाँ भी है। हेलो, मैं जवाहर रोड से बात कर रहा हूँ। यहाँ बहुत मरे हुए चूहे पड़े हुए हैं, आप जल्दी से आकर चेक कर लीजिए। मुंह बंद करके रखो, यहाँ कोई वायरस हो सकता है। बदबू है, वायरस हो सकता है। बच्चों को भी देखना है, यहाँ तो खड़े भी नहीं रह सकते। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। यहाँ तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। किसी ने एमसीसी को फोन किया क्या? कॉर्पोरेशन वाले ही कुछ कर सकते हैं। हाँ, अरे सर, सर अच्छा हुआ आप आ गए। हेलो सर, बहुत बुरे हाल है यहाँ सर, जनता पैनिक कर रही है। संगीता, हमारे पूरे एरिया में मरे हुए चूहे पड़े हैं, यहाँ तक कि ऑफिस के दरवाजे तक हैं। मैं क्या करूँ? तो अब क्या मैं एम्बुलेंस को बुलाऊँ? उसे साइड हटाओ और अंदर चली जाओ। कांस्टेबल, एक काम करो, रोड के उस एंड से इस गली तक जल्दी से बैरिकेड्स लगा दो। ओके सर, इसमें लापरवाही नहीं चाहिए। ठीक है सर। हम जवाहर नगर के उस गली में खड़े हैं जहां आज सुबह दर्जनों में मरे हुए चूहे नजर आए हैं। आइए यहां के निवासियों से बात करते हैं जिन्होंने सब कुछ अपने आंखों से देखा। बोलिए सर। जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला तो ये सारे चूहे मैंने मरे हुए देखे। मुझे तो लगता है सरकार कुछ छिपा रही है। सर, आप भी इसी इलाके से हैं, आपने क्या देखा? मैडम प्लीज, यहाँ मत खड़े होइए। देखिए, हम हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, ये क्वारंटाइन एरिया है। सर, जनता पहले से ही डरी हुई है और मीडिया बात को और उछाल रही है। बड़े बॉस को प्लीज बता दीजिए सर। अरे क्या हो क्या रहा है वहाँ पर? मीडिया यहाँ हमारी बैंड बजा रही है। देखो, ये मामला जल्दी से निपटाओ इससे पहले कि बात ऊपर तक पहुँचे। ओके सर। पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दो, ना किसी को आने की ना जाने की इजाजत होगी। और एक फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंस को भेजो, सबको वहाँ से इवैक्यूएट करके जनरल हॉस्पिटल भेजो चेकअप के लिए। और एक बात, पूरा इलाका फ्यूमिगेट होने के बाद ही कोई अंदर जा पाएगा। और जितने भी लोग बाहर से आते हैं उन सब के कपड़ों के ऊपर हमारा पीपीई किट पहनना जरूरी होगा। ओके सर। सबको यहाँ से खाली करो। इधर चलो 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 पीछे, चलो आप लोग पीछे पीछे। मीडिया को किसने अंदर आने दिया? तरफ जाओ। जा रहे साहब, जा रहे। टाइम क्यों लग रहा है? चलो हाँ चलो चलो चलते हैं। जल्दी चलो चलो चलो। जनता से विनती है कि जब तक हम न बोले तब तक अपने घरों से बाहर न निकलें। पीपीई किट्स आ रही है, प्लीज हमें सहयोग करें। एम्बुलेंस क्या चाहिए आपको खबर कर दी जाएगी, तब तक आप लोग घरों के अंदर ही रहें। कारपोरेशन को साथ दीजिए ताकि शहर में कोई बीमारी न फैले। जनता से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी ये जगह छोड़ दें। अगले 2 दिनों तक यहाँ पर कोई नहीं रह सकता। एम्बुलेंस पहुँच रही है, सबको एक हैंडबैग अलाउड होगा, ये सरकारी आदेश है। क्या बकवास है, एक अफवाह पर इतना ओवर रिएक्शन। हमें जगह खाली करने को कह रहे हैं। 2 दिन की बात है, निकल जाओ। फ्यूमिगेशन के बाद वापस लौट आना। समझने की कोशिश करो जयराज, मेरा सारा डेटा यहाँ पर है, अगर किसी ने देख लिया तो सब चौपट हो जाएगा। ऐसी बात है तो डिलीट कर दो। तुम पागल हो गए हो? मेरी सारी जिंदगी का काम है, अब निशा भी नहीं रही जो फिर से बना देगी। ये डेटा ही मेरी शक्ति है, मैं इसके बिना कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारा ऑफिस 2 दिन लॉक्ड रहेगा। मैं जानती हूँ ये सब उस कुमार का किया धरा है। मुझे इस ऑफिस से निकालकर सर्वर उठाने का उसका प्लान है। कुमार? कौन कुमार? बोल क्या रही हो संगीता? देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मीडिया वहाँ पहुँच चुकी है, तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। समझो जयराज, अगर डेटा मिल गया तो तुम्हारा भी खेल खत्म। सिर्फ मैं और तुम नहीं, पिछले महीने वो मिनिस्टर के लिए काम किया था ना, उसका भी नाम आएगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। कॉर्पोरेशन ने हर घर में एंटी इन्फेक्शन किट भेजा है। पूरे इलाके को फमीकेट किया जा रहा है। हर घर के दरवाजे पर पीपीई किट रखे गए हैं। जब हम बोले तो बाहर आकर उसे उठा लें। इस निर्देश का पालन करें। कॉर्पोरेशन को अपना सहयोग दें। रुकिए सर, ये जगह क्वारंटाइन है सर, आप यहाँ आगे नहीं जा सकते। सर हम लोग एंटी टेररिज्म स्क्वाड से हैं। कहिए सर। हमें खबर मिली है कि 64 नंबर में कोई आतंकवादी छुपा हुआ है, उसे अरेस्ट करना होगा। पर यह क्वारंटाइन एरिया है और सरकार के आदेश से सब कुछ बंद है, प्लीज आपको जाना होगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर इस एरिया में कोई भी बॉम्ब फट गया तो हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। आप हमें अपना काम करने दीजिए। सर आपके कहने से नहीं होगा, इसके लिए मुझे अपने ऊपर वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, अब यहाँ एंटी टेररिज्म के लोग आ गए हैं। क्या अब ये चूहों को अरेस्ट करने का काम करेंगे? अभी खुलासा नहीं हुआ है। सर हम परमिशन दे रहे हैं, लेकिन सबको मास्क पहनना पड़ेगा। पूरा शहर ये जानने को उत्सुक है कि अथॉरिटीज ने किसी को इजाजत नहीं दी थी, पर एंटी टेररिज्म स्क्वाड को जाने दे रहे हैं। ये चूहे बिल्ली का खेल बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। मैडम, डीआईजी जयराज ने हमें भेजा है। उनसे कहिए कि वो बाहर वेट करें, सिर्फ आप आइए। ओके मैडम, आप लोग बाहर रुकिए। मैडम यहाँ तो महामारी फैली हुई है, मैं बाल बच्चे वाला हूँ। ये सब बातें बकवास है, ये सब खेल मीडिया का किया हुआ है। हमें किसी तरह ये सर्वर्स यहाँ से महफूज निकालने हैं। आपको उन्होंने बताया कहाँ ले जाना है? यस मैडम। आप मुझे जनरल हॉस्पिटल ले जा रहे हो? जी हाँ मैडम। सर्वर वाले वैन को दूसरे रास्ते भेजना, ठीक है? समझ गए? आप लोग आइए। क्या हमें उसका पीछा करना पड़ेगा? नहीं, रुको। हमें उसे नहीं, उस ब्लू वैन को फॉलो करना है। हेलो सर, कुमार बोल रहा हूँ। अरसलान के केस पर वानम के ऑफिस में मिले थे। ओह कुमार, बताओ, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। मैं क्राइम स्टोरी पे काम कर रहा हूँ सर। आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। सब समझाता लेकिन समझाने का टाइम नहीं है सर, प्लीज मदद करिए। और आपको बताना था कि मैं रंजीत कुमार हूँ, नाम तो सुना ही होगा। ओह, तुम रंजीत कुमार हो, इसीलिए मुझे जानी पहचानी आवाज लगी। मैंने तुम्हारी सारी स्टोरीज पढ़ी हैं। बताओ क्या मदद चाहिए? वो बिल्कुल ठीक है मैडम, अब आप जा सकती हैं। नेक्स्ट पेशेंट आइए प्लीज। आप वेट कीजिए, मैं आपको रिपोर्ट देता हूं। बोलो संगीता। सर्विस को संभाल के जयराज, सब तुम्हारे हाथ में है। चिंता मत करो, पर फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। कमिश्नर के ऑफिस में रहने दो, रात को निकाल लेंगे। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। सर ये वैन कमिश्नर के ऑफिस में क्यों जा रही है? पता करते हैं। सर कुछ मिला? हाँ कुमार, आज का वो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन डीआईजी जयराज ने करवाया था और सारा डिपार्टमेंट जानता है कि वो किस हद तक करप्ट है। और वो जो एसीपी है ना, वो तो उसका अंधभक्त है। सर इस वक्त आप कहाँ हैं? ऑफिस में। बेहतर होगा कि हम मिले। मैं आ जाऊं? हाँ आ जाओ। सर ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। पूरे देश में एक पैटर्न के कई मर्डर्स हुए हैं। अरसलान का मर्डर भी उसी पैटर्न पे हुआ था और मेरे ख्याल से उसका सबसे बड़ा सबूत डीआईजी जयराज ने आज कमिश्नर के ऑफिस में कहीं छुपा दिया है। मुझे आपकी मदद चाहिए। बताओ ना क्या मदद चाहिए? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरा करियर तो खत्म। बात सिर्फ आपके या मेरे करियर की नहीं सर, बहुत सारी जानें खतरे में है। भरोसा कीजिए सर, रिस्क लेते हैं। ओके कुमार, करके देखते हैं। थैंक यू सर। मेरी एक और रिक्वेस्ट है सर। बोलो। हमने बहुत मेहनत की है स्टोरी पर। अगर सबूत मिल गया तो सिर्फ जयराज ही नहीं, इस पूरे के पूरे नेटवर्क को ही जड़ से खत्म किया जा सकता है। यह आपके करियर का सबसे बड़ा केस होगा जो मैंने आपको दिया है। बदले में मुझे यह स्टोरी चाहिए। वो सबूत सिर्फ आधे घंटे के लिए मुझे चाहिए होगा। मैं कॉपी बनाकर लौटा दूंगा, तभी मैं यह न्यूज ब्रेक कर पाऊंगा। यह गलत होगा कुमार। I need the story, sir. Please. वो लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। आज कमिश्नर के ऑफिस पे एक स्टोरी ब्रेक होगी। अपना कैमरा उठा और पहुंच जा, और अपने मीडिया के बाकी दोस्तों को भी बता दे। इससे धुआंधार खबर तुम लोगों ने आज तक नहीं देखी होगी। देखिए सर, बात तो सही है। सामान उठा लिया, रास्ते पे हो। 30 मिनट में पहुंच जाऊंगा, उसके बाद सारे प्रॉब्लम्स खत्म। सर्वर और डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं रुकना मत और संभल के जाना। अरे सब कुछ कंट्रोल में है, डरो मत, मैं संभाल लूंगा। जब तक सारे सर्वर्स मेरे ऑफिस नहीं पहुंचते उन पर नजर रखना, बहुत संभल के जयराज। संगीता 1 मिनट लाइन पर रहो। जयराज, हेलो जयराज, मेरी आवाज आ रही है क्या? कुछ बोलो जयराज। क्या हो रहा है वहां पर? मेरी आवाज आ रही है क्या? पुलिस ने रोका है, मैं वापस फोन करता हूँ। क्या बात कर रहे हो जयराज? क्या हुआ विमल? सॉरी सर, खबर मिली है कि आपकी गाड़ी में एक मर्डर केस का खास सबूत है। हमें कार चेक करनी पड़ेगी, काइंडली कोऑपरेट। व्हाट नॉनसेंस, आई एम योर सीनियर ऑफिसर, माइंड योर वर्ड्स। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे, अब हटो यहाँ से। सॉरी सर, आप सीनियर जरूर हैं, पर यह एक मर्डर केस है और मेरा केस है। मुझे आपकी कार चेक करनी पड़ेगी। किसी भी हालत में नहीं जयराज। संगीता जस्ट होल्ड। सर लाइन पर कौन है? आप किससे बात कर रहे हैं? विमल हटो यहाँ से, इट्स एन ऑर्डर। गाड़ी में कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो चेक करने में क्या हर्ज है सर? क्या कर रहे हो जयराज? मैंने कहा था ना रुकना नहीं है, निकलो वहाँ से। मैं बार बार नहीं कहूँगा, समझ में नहीं आती क्या? अब हटो यहाँ से, जो भी माजरा है बाद में डिस्कस करेंगे। सर, मुझे आपकी कार अभी चेक करनी होगी। क्या हो रहा है वहाँ? नहीं जयराज, चाहे कुछ हो जाए डेटा मत देना। ये कोई छोटी बात नहीं है विमल, समझने की कोशिश करो। सर, आपके चेहरे पर घबराहट दिख रही है, मुझे चेक करने दीजिए। वो चेक नहीं कर सकते जयराज। संगीता, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? नहीं विमल, मेरी बात सुनो। अगर मैं अभी नहीं गया तो सिर्फ मैं और तुम नहीं। अब अगर मैं नहीं गया तो ये लोग हमारे फैमिलीज तक को भी खत्म कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा जाल है, समझने की कोशिश करो विमल। अच्छा सुनो, मैं यहाँ हर एक ऑफिसर का प्रमोशन करवा दूंगा विमल। मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज प्लीज विमल, समझो मेरी बात को प्लीज। तुम्हारी भी अपनी फैमिली है ना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। सर, मीडिया पहुंच चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, हमें आपकी कार चेक करनी होगी। काम करने दीजिए सर। मीडिया से हैं सर, हमें फोटो सर। संगीता, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। नहीं जयराज, तुम्हें पता है। सर प्लीज, सर कर नीचे कीजिए। सर, आप पागल हो गए, क्या कर रहे हैं सर? पास मत आना विमल, मुझे जाने दो। आप क्या कर रहे हैं? मुझे मनानी मत कीजिए। सर, आप क्या कर रहे हैं? वापस वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत की थी। एविडेंस के नाम पर वो डेटा हमारी आखिरी उम्मीद थी। लग रहा था कि उनका खेल खत्म हो जाएगा, पर यहाँ तो हमारा ही काम तमाम हो गया। कहीं हम लोग जल्दी में तो नहीं थे? अधिराज, डीआईजी कौन सी गाड़ी में थे? न्यूज के मुताबिक मारुति स्विफ्ट सा। तो अब भी उम्मीद है। स्विफ्ट एक छोटी गाड़ी है। जो नीले रंग की वैन संगीता के ऑफिस से निकली थी उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसमें बहुत सारे सर्विस थे। वो सब एक स्विफ्ट में कभी नहीं आ सकते। उसने कई चक्कर लगाने का सोचा होगा। यानी ब्लास्ट में पूरा सबूत नहीं मिटा है, इसका मतलब बाकी तो वैन में ही होना चाहिए ना? यस, और ये बात सिर्फ जयराज जानता था। संगीता को कोई भी भनक लगे उससे पहले निकालना होगा। अगर ये गया तो समझो कोई सबूत नहीं। वो सब तो ठीक है, पर हम कमिश्नर के ऑफिस में घुस कर वैन से आखिर वो सर्वर्स निकालेंगे कैसे? खासकर आज के हादसे के बाद, बल्कि अब तो सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट होगी। उन्हें चकमा कैसे देंगे हम? हेलो, अच्छा, ओके ओके। कमिश्नर के ऑफिस में आज रात 9 बजे प्रेस मीट है, इस इंसिडेंट को डिस्कस करने के लिए। गुड, यही हमारा मौका होगा। हमारी तरफ से कौन जा रहा है? हमारा रिपोर्टर अरविंद जा रहा है। ओके, आज रात मैं उसके साथ जाऊंगा। आप जा तो रहे हो, पर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है? थोड़ा रिस्क तो है, पर कहानी जहां मिलती है वहां रिस्क तो लेना ही पड़ता है। मेरा तो यही मानना है। मधु, ऑफिस जाकर लिखना शुरू करो, हम एविडेंस लाते हैं। ओके। अधिराज, देखो उस बिल्डिंग का कोई मैप या ब्लूप्रिंट मिले तो। हाँ, अभी देखता हूँ। कोई लेटेस्ट मैप नहीं मिलेगा। ये गवर्नर जनरल क्लाइव का घर हुआ करता था, उसका मैप ढूंढो। ओके सर। सर, मुझे मिल गया, आपको सेंड कर दिया है मैंने। वेरी गुड इतराज। शाम, तुम कमिश्नर के ऑफिस का सीसीटीवी सिस्टम हैक कर सकते हो? यस श्योर सर, हो जाएगा। उनकी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत खराब होती है। गुड। अधिराज, एक ब्लूटूथ हेडसेट चाहिए। तुम और शाम मुझे बाहर से गाइड करते रहोगे। पता लगाओ कि वैन कहाँ खड़ी है। ओके सर, क्विक, लेट्स गो। हाँ सर, कमिश्नर ऑफिस में प्रेस के सामने इतना बड़ा कांड हो जाता है तो देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है सर, बताइए। डीआईजी जयराज ने आत्महत्या क्यों की? क्या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रेशर था? उस गाड़ी में क्या था सर? डीसीपी विमल ने डीआईजी का रास्ता क्यों रोका? उनकी तरफ बंदूक क्यों ताना? सर, हमने सुना है कि वो डीआईजी को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। क्या ये कोई बड़ी साजिश थी डीआईजी के खिलाफ, किसी और को बचाने के लिए? देखिए, इन सब बातों के लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है। प्रेस मीट किधर है? बालकनी में। मैं अभी आता हूँ। ये कौन है? आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? मीडिया सर, प्रेस मीट पर जा रहा हूँ। प्रेस मीट उस तरफ नहीं चल रही, इस तरफ है। थैंक यू सर। यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए ना सर। अधिराज, चेक करो वैन्स कहाँ पर पार्क्ड है। सर, आपके लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा ग्राउंड है। सर्वर वाली वैन वहीं पर पार्क की गई है। सर, बस आ रहे हैं सर, पार्किंग में ही है सर। हम बस 5 मिनट में आ गए। ओके सर। यहाँ सारे सर्वर्स हैं, पर मैं निकालूंगा कैसे? आप सिर्फ हार्ड ड्राइव निकाल लीजिए। सर, पीछे की तरफ ऊपर एक ट्री जैसा होगा। इजेक्ट बटन दबाइए, ड्राइव निकल आएगा। आज भी नाइट ड्यूटी है। समझ में नहीं आ रहा है क्या नौकरी है ये। अब जो भी हो, करनी तो पड़ेगी ना। क्या कर रहे हैं पता नहीं। चल चाय पीते हैं। ये सही। चलो। बहुत रात हो गई है। कमिश्नर ऑफिस में सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हार्ड डिस्क छोड़ो, बाहर आ जाओ। डोंट वरी बाबा, इससे ज्यादा खतरा देखा अपनी लाइफ में। फिक्र मत करिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बाय। प्रेस मीट में हेडलाइंस प्रॉमिस करके फालतू स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन हम करें क्या? खबर के नाम पे तो ठेंगा मिला हमें। अब क्या करना है बॉस? चलते हैं ना यहाँ से। अगर खाली हाथ गया ना सर, एडिटर बहुत चिल्लाएगा मुझ पर। कोई बात नहीं, वेट करते हैं। माइक 3 कॉलिंग। जरा जाकर देखो मेन गेट पर कौन है। ओवर। गेट नंबर 3 चेक किया? हाँ सर, कर दी। की जांच करो। बिना आईडी के किसी को अंदर मत आने देना। हर बैग, हैंड बैग, थैला सब चेक करो। ध्यान से चेक करना। ऐसे ही दामिनी को भी छोड़कर गया था। अगर उसे कुछ हो गया तो आरुषि से क्या कहेंगे? अधिराज, मुझे फोन दो। तो इधर। हेलो बेटा, सुनो, बात समझो मेरी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है? कोई जरूरत नहीं इस एविडेंस की। तुम आ जाओ बस। बिना हार्ड डिस्क के वो जाने देंगे तुम्हें। अब निकलो वहां से। सर, गुड मॉर्निंग सर। गेट 5 से सिर्फ हॉर्समैन जाएंगे और कोई नहीं। सबके आईडी ठीक से चेक करना और फिर जाने देना। चलो चलो, घुड़सवारों को आने दो, घुड़सवारों को आने दो। चलो जल्दी, मूव मूव। चलो निकलो निकलो, चलो। हाँ, मैं ड्यूटी पर। गुड मॉर्निंग सर। डोंट वरी पापा, मैं निकल आऊंगा। नहीं यार, आज भी ड्यूटी है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सर रोको उसको, सर उसे रोकिए, वो पुलिस वाला नहीं है। ए, रुको। हेलो कंट्रोल रूम, एक आदमी बैग लेकर गेट की तरफ आ रहा है। हाँ मेरे को दिख गया है, बैग है उसके पास। यस सर। अर्जुन, कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर उसे रोको। वो कुछ चुरा के भाग रहा है। मैं भी नहीं जानता कि वो क्या है, पर ऊपर से ऑर्डर है कि किसी भी तरह उसे रोकना है। एक काम करो, शूट एट साइड का ऑर्डर दे दो। रोक नहीं सकते तो मार डालो उसे। यस सर, हम ऐसा ही करेंगे सर। ये ऑर्डर ऊपर से है, समझे? एकदम ऊपर। अरे रोको उसे, रोको जल्दी। अरे गेट लगा, गेट लगा। कांस्टेबल्स, गेट नंबर 3, 4 और 5 सील करिए। फिर से भाग रहा है वो। शूट करने के ऑर्डर्स मिल गए हैं, फायर कीजिए। क्या हो रहा है? जैन सर। किधर है वो? सर वो ग्राउंड में ही है। और कोई गेट है शाम? नहीं सर, सब एग्जिट सील्ड है। ये क्या कर रहा है? वो निकल नहीं सकता सर, सराउंडेड है सर। विघ्नेश, क्या हो रहा है वहां? सर लगता है वो सरेंडर करने वाला है सर। कुमार तुम मास्क निकालकर सरेंडर कर दो, मेरी बात सुनो प्लीज। शूट हिम। सर पर वो सरेंडर करेगा। आई सेड शूट हिम। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ही डूइंग। ये घोड़े पे किधर भागता चला जा रहा है? इतनी ऊंची दीवार कैसे फांदेगा? He won't jump. बिल्डिंग का वो हिस्सा 200 साल पुराना है सर। वहां गेट है, किसी को याद नहीं था। बेवकूफ हो, चलो। शांत हो जाइए, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? प्लीज शांत हो जाइए, एक एक करके पूछे, एक एक करके। मैं आप सबके सवालों का जवाब दूंगा। आपके आदमी किसी घुड़सवार का पीछा कर रहे थे, वो कौन था? सब कुछ समझाऊंगा, आप लोग कुछ भी गलत मत छापना, प्लीज कोऑपरेट। तो फिर हमें ये बताइए कि माजरा क्या है सर? ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल था सर, हमने गोलियों की आवाज सुनी थी, वो भी सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज ही थी। अगर ऐसी बात है सर तो हमें अंदर जाने दीजिए। देखिए, हमें अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है, ऐसे ही किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। प्लीज आप लोग जाइए। सारी रात इंतजार किया और कुछ बता ही नहीं रहे हैं, यह चल क्या रहा है? बाबा, इस संस्था के बड़े हाथ हैं, पुलिस, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, जुडिशरी, सब के सब शामिल हैं। वो आप पर दबाव डालेंगे कि ये स्टोरी बाहर ना आए, वो कुछ भी कर सकते हैं। कुमार, लोगों का ऐसा मानना है कि जर्नलिज्म अब मर चुका है, पर यह सच नहीं है। बहुत से जवान पत्रकार हिम्मत और सच्चाई के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन वो हम लोग हैं कंपनी के मालिक, जो उनसे डरकर अपना जमीर उनके हाथों बेच देते हैं। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं कुमार, ना तो मैं बिक सकता हूं ना ही झुक सकता हूं। तुम उन्हें छोड़ना नहीं कुमार। बाबा, एक और बात, इस खबर का एक हिस्सा है जो मैं छापने नहीं वाला। कुमार, मैं जानता हूं कि तुम क्या छुपाओगे और यह भी जानता हूं कि क्यों। तुम मेरे एडिटर हो, पूरा भरोसा है तुम पर। आओ। गैंग्स और क्रिमिनल्स को पुलिस का सपोर्ट होता है, मैं जानता हूं, पर इतने ऊंचे ओहदे के अफसर शामिल होंगे, यकीन नहीं होता। क्या लगता है जयराज ही इस पूरे ऑपरेशन का हेड था क्या? जो कुछ हुआ उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि डीआईजी जयराज इसके पीछे था, पर यकीन के साथ नहीं कह सकता। क्या यही पूरी चेकलिस्ट है? ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सर, R2 इंस्पेक्टर के पास से स्टेटमेंट आ गई है। अधिराज, बिग ब्रेकिंग न्यूज टुमारो ऑन वानम। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर डलवा दो। ओके। सभी ध्यान से सुनो, सारे काम रोककर वानम मैगजीन ने जो स्टोरी ब्रेक किया है उसका फॉलो अप करो, बाकी सारे काम बाद में करना। ओके सर। कैबिनेट में इतने बदलाव क्यों? 4 मंत्रियों को क्यों एक्सपेल किया है? इसमें और वानम की ब्रेकिंग स्टोरी में क्या कनेक्शन है सर? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रूटीन कैबिनेट रीशफल है। सीएम का इस स्टोरी के साथ कोई लेना देना नहीं है। वेलकम मैडम। आपके नए नाम का पासपोर्ट तैयार है जी। आपका कार भी रेडी है और पूरा स्टाफ भी आपका इंतजार कर रहा है। मुझे पता है आपने उसे क्यों जाने दिया, पर फिर भी कहूंगी ये गलत है सर। जानता हूं, लेकिन मैं मजबूर था। एक और बच्ची को उसकी मां से अलग नहीं कर पाया। गलत जरूर है, आई एम सॉरी। मैडम, आपके लिए एक लेटर है। मेरे लिए? हाँ मैम, दामिनी सेबेस्टियन ऑफिस में आई थी।